وخلق الجن من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم sallallahu alayka ya rasulallah wa sallam alayka ya habiballah hasbi rabbi jallallah ma fi qalbi ghayrallah noor muhammad sallallah la ilaha मेरे आने से पहले हिप शिप कर क्या पढ़ती थी बहन ने जब कुरान पढ़ा सुन के कलाम पाक खुदा दिल ये उमर का बोल उठा लाही लाहा इल्लल्लाह सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह व सलाम अलैका या हबीब अल्लाह आंखों का तारा नाम मोहम्मद दिल का उजाला नाम मोहम्मद आंखों का तारा नाम मोहम्मद दिल का उजाला नाम मोहम्मद पाए मुरादे दोनों जहां की जिसने कर लिया पाए मुरादे दोनों जहां में जिसने पुकारा नाम मोहम्मद नूह खलीला मूसा व ईसा सबका है आका नाम मोहम्मद अपने रजा के कुर्बान जाऊं जिसने सिखाया नाम मोहम्मद अपने जमील और रजवी के दिल में आ जा समा जा नाम मोहम्मद आंखों का तारा नाम मोहम्मद दिल का उजाला नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसलम अलैका या हबीब अल्लाह सब मिलकर बोले सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसलम अलैका या हबीब अल्लाह मैं तेरे कुर्बान मोहम्मद मैं तेरे कुर्बान मैं तेरे कुर्बान मोहम्मद मैं तेरे कुर्बान
مدثر يا روح القرآن میں تیرے قربان محمد میں تیرے قربان عرش بری سے فرش زمین تک سب تیرا قربان میں تیرے قربان محمد میں تیرے قربان ہو جے سوریا جنو بجر سب تیرے قدم کے نیچے پورو ملائک جنو بجر سب تیرے پیچھے پیچھے اے رب کے مہمان محمد میں تیرے قربان میں تیرے قربان محمد میں تیرے قربان غم کی دوا ہے دامن ہی دھل جائے میرے سخن کی جان محمد میں تیرے قربان میں تیرے قربان محمد میں تیرے قربان کہیں مزمل کہیں مدثر یا روح القرآن میں تیرے قربان محمد میں تیرے قربان صلی اللہ علیکا یا رسول اللہ وسلم علیکا یا حبیب اللہ بھولا لو پھر مجھے شاہِ بہارو بر مدینے میں بھولا لو پھر مجھے شاہِ بہارو بر مدینے میں میں پھر روتا آؤں تیرے در پر مدینے میں سنا ہے آپ کے عاشق گھر تشریف لے آئے ہیں میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغا یا رسول اللہ شیر زمان صلی اللہ علیکا یا رسول اللہ
وسلم علیک یا حبیب اللہ. سب مل کے پڑھیے صلی اللہ علیک یا یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. قسمت میں میری چین سے جینا لکھ دے, ڈوبے نہ کبھی میرا سفینہ لکھ دے. جنت بھی گوارا ہے مگر میرے لیے, بے تقدیر مدینہ لکھ دے. سنے کون قصہ درد دل میرا, غم گسار چلا گیا. سنے کون قصہ درد دل میرا, غم گسار چلا گیا. جسے آشناؤں کا پاس تھا میرا رہنما چلا گیا. سنے کون قصہ درد دل میرا, غم گسار چلا گیا. وہیں بزم ہے وہیں دھوم ہے وہیں عاشقوں کا ہجوم ہے, وہیں بزم ہے وہیں دھوم ہے وہیں عاشقوں کا ہجوم ہے. کمی تو بس میرے چاند کی ہے, کمی تو بس میرے چاند کی, جو تہے مزار چلا گیا. ہے کمی تو بس میرے چاند کی, جو تہے مزار چلا گیا. ہے کمی تو بس میرے پیر کی, جو تہے مزار چلا گیا. جسے میں سناتا تھا درد دل, وہ جو پوچھتے تھے غم درو, جسے میں سناتا تھا درد دل, وہ جو پوچھتے تھے غم گدا نواز بچھڑ گیا, وہ عطا شر چلا گیا. وہ گدا نواز بچھڑ گیا,
वो अता शर चला गया। सुने कौन किसाए दर्द दिल मेरा गम गुसार चला गया। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। जब वक्त नज़ाए दीदार अता करना, ऐसा गुंबद वाले मन जब वक्त नज़ाए दीदार अता करना। ए नूर खुदा आकर आँखों या ख्वाब में आ जाना। ए नूर खुदा आते आँखों में समा जाना, याद या ख्वाब में आ जाना। एक जामे मुझे सरवर कौसर का अता करना, जब वक्त नज़ाए दीदार अता करना। मैं कब्र अंधेरी में घबराऊंगा जब तन्हा, इमदाद जाना रसूलुल्ला। मैं कब्र अंधेरी में घबराऊंगा जब तन्हा, इमदाद मेरी करने आ जाना रसूल अल्लाह। इमदाद मेरी करने आ जाना।
रोशन मेरी तुर्बत को लिल्ला करम करना जब वक्त नज़ा आए दीदार अता करना। सल्लल्लाहु या रसूल अल्लाह वसलाम अलैक या हबीब अल्लाह। इट रात में ख्वाब अजीब जिया सद कैनी कत मैं माना से उन्हें रसता ले असी तुर पैसे डिटारा बच हैक गुस्ताना से हैक हड्डी आई मेरे पैर तले पीछे मंजल दे गहराना से ऊ हड्डी बोल से देखत टुर असी तय वांगो इंसान हसे मिठने बोल मुहम्मद दे रब दे ढोल मुहम्मद दे मिठने बोल मुहम्मद दे रब दे नारे हैदरी मिटड़े अमल मुहम्मद दे रब दे ढोल मुहम्मद दे रौनक थींदी आहे माशाल्लाह जो दर्जो खबाब आउंदे पए और खुसूस हज़रत साहिब अहमद अहमद दे अहमद अहमद दे मन करीब उन्हें दी तशरीफ आवत के मिली भरपूर अंदाज है इस्तकबाल करने उन्हें दा भरपूर अंदाज है उन्हें दे इजाजी या तौर ते मोहब्बत दा इजहार करने उठ ठीक है ना जवाब हजरत साहिब अहमद अहमद दे पुरजोक ठीक है दुरूद पाक पढ़ दे अल्लाह हु अकबर।
सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह व सल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। मिलकर पढ़ लीजिए, सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह व सल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। तू को जा मर को जा, तू को जा मर को जा, तू आमीरे हरम मैं फकीरे हरम, तू आमीरे हरम मैं फकीरे हरम, तेरे गुण और ये लब मैं तलब ही तलब, तेरे गुण और ये लब मैं तलब ही तलब, तू आता ही आता तू को जाम को जा, तू को जाम को जा, इल्हाम है जामा तेरा, इल्हाम है जामा तेरा, कुरआन इमामा है तेरा, कुरआन इमामा है तेरा, मिंबर तेरा अरशे बरी, मिंबर तेरा अरशे बरी, या रहमत लिल आलमी, तू को जाम को जा, तू को जाम को जा, तू हकीकत है मैं सिर्फ एहसास हूँ, तू हकीकत है मैं सिर्फ एहसास हूँ, तू समंदर में भटकी हुई प्यास हूँ, तू समंदर में भटकी हुई प्यास हूँ, मेरा घर खाक पर और तेरी राह गुजर, मेरा घर खाक पर और तेरी राह गुजर, सिदरातुल मुंतहा तू को जाम को जा, तू को जाम को जा, दिल की आंखों से काम लेता हूँ, दिल की आंखों से काम लेता हूँ, उनके दामन को थाम लेता हूँ, दूर होती है मुश्किलें काजी जब मोहम्मद का नाम लेता हूँ। पर या रसूल अल्लाह हक चारा तू जड़े वांगर मुछे ना मन्यो हजरत साहब दी आमद आमद है पाड़ के ए ए स्टेज पे उठते उठते थियो मेरे थियो ए इ में से इ में उस्ताद जी सल्ले अला नबी अना सल्ले ये अला मुहम्मदन, पढ़ो सल्ले अला करीम ना, सल्ले ये अला मुहम्मदन, दुरुद पाक महबूब दी जात पाक ते ज़ौक मोहब्बत नाल मुहम्मद दे दरदा तू बन जा सिपाही, मुहम्मद दे दरदा तू बन जा सिपाही, पिछे समझी नू जग ते तेरी शाही, पिछे समझू जगे ते तेरी शाही, मुहम्मद दे दरदा तू बन जा सिपाही, रंग काले
ही डर ते रंग लाल बन गए वो रंग काले ही डर ते रंग लाल बन गए जमाने दे पिनड़े और लाजपाल बन गए जमाने दे पिनड़े पाल बन गए ते मिंबर देवार सी अजतवाल बन गए ओ मिंबर देवार सी अजतवाल बन गए फयाजी दलंगर चले दा हे माई मोहम्मद दे दरदा तू बन जा सिपाही ए खुद नूर भी दरुदर पा ए खुद नूर भी अते नूर गर अल्लाह द नूर चे सकले बसर अल्लाह द नूर चे सकले बसर मिसल बन जे क्यों ते डेचे ते चकर है मिसल बन जे क्यों ते डेचे ते चकर है ते कूदो खाड़ी ते तेरी कम निगाई मोहम्मद दे दर्दा तू बन जा सिपाही वह एक दी चिट्ठिया दरुद पाक आखरी में था वह एक दी चिट्ठिया नसीबा दी तरसी मिठा मा ही मदनी मजो नजर करसी मिठा मा ही मदनी मजो नजर करसी मने की ते सोने सजवल उभरसी मने की ते सोने दसजवल उभरसी जदा थी सुहावसी मदीने दोराई मोहम्मद दे दर्दा तू बन जा सिपाही कि मुल्क डोला बाबा नाराय तकबीर नाराय रिसालत या रसूल अल्लाह नाराय रिसालत या रसूल अल्लाह नाराय खिलाफत हक नाराय हैदरी या भाइयों दोस्तों जितना लम्हा तशरीफ रखो बारगाह नबी दे अकीदत एहतराम दे नाल मोहब्बत भरे अंदाज नाल दुरूद पाक दे गजरे पेश करें दे रासो अल्लाह दी तरफों रहमत नाज़िल थी सी दुख टल वेसन परेशानी दूर थी वेसन सूफी बशीर अहमद साहिब भुट्टा सुभान अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह दुरूद शरीफ चौक दिनों जदा जुल्फायार सजाया जदा जुल्फायार सजाया हिन खालक कसम छाया अदा वाहन मन मुड़िया अदा वाहन मन मुड़िया जदा जुल्फायार सजाया हिन खाल
ਮਾਲਕ ਕਸਮਾ ਛਾਇਆ ਆਦਾ ਵਾਹਨ ਮਨ ਮੋੜਿਆ ਆਦਾ ਵਾਹਨ ਮਨ ਮੋੜਿਆ ਹੋ ਜਦਾਂ ਇਸ਼ਕ ਦੀ ਪੌੜੀ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹਾਂ ਵੱਲ ਰੱਬ ਦੇ ਕੁਰਾਨ ਕੋ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਾ ਹਾਂ ਹੋ ਜਦਾਂ ਇਸ਼ਕ ਦੀ ਪੌੜੀ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹਾਂ ਵੱਲ ਰੱਬ ਦੇ ਕੁਰਾਨ ਕੋ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਾ ਹਾਂ ਹਰ ਸਤਾਰ ਤੇ ਨਜ਼ਰਾਂ ਪਾਇਆ ਹਰ ਸਤਾਰ ਤੇ ਨਜ਼ਰਾਂ ਪਾਇਆ ਇਹਦੇ ਸ਼ਾਨ ਦਾ ਮਿਲਣ ਗਵਾਇਆ ਅਦਾ ਵਾਹਨ ਮਨ ਮੋੜਿਆ ਅਦਾ ਵਾਹਨ ਮਨ ਮੋੜਿਆ ਜਦੋਂ ਜ਼ੁਲਫਾਇਆ ਹਰ ਸਜਾਇਆ ਹਿਨ ਖਾਲਕ ਕਸਮਾ ਛਾਇਆ ਅਦਾ ਵਾਹਨ ਮਨ ਮੋੜਿਆ ਸਭ ਅਸਰਾ ਦਾ ਖੋਟ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ ਹਰ ਪਾਸੇ ਲੋਹਰਨ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਸਭ ਅਸਰਾ ਦਾ ਖੋਟ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ ਹਰ ਪਾਸੇ ਲੋਹਰਨ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਮਾਜ਼ਾ ਬਿਮਿਸਲ ਸਲਾਇਆ ਮਾਜ਼ਾ ਬਿਮਿਸਲ ਸਲਾਇਆ ਜਦਾਂ ਸਹੀ ਗਜਲੇ ਦੀਆਂ ਪਾਇਆ ਅਦਾ ਵਾਹਨ ਮਨ ਮੋੜਿਆ ਅਦਾ ਵਾਹਨ ਮਨ ਮੋੜਿਆ ਜਦਾਂ ਜ਼ੁਲਫਾਇਆ ਹਰ ਸਜਾਇਆ ਹਿਨ ਖਾਲਕ ਕਸਮਾ ਛਾਇਆ ਅਦਾ ਵਾਹਨ ਮਨ ਮੋੜਿਆ ਮੁਖ ਚੰਦਰ ਬਦਰ ਸ਼ਾਸ਼ਾਨੀ ਏ ਮੱਤ ਚਮਕ ਦਿਲਾਟ ਨੂਰਾਨੀ ਏ ਮੁਖ ਚੰਦਰ ਬਦਰ ਸ਼ਾਸ਼ਾਨੀ ਏ ਮੱਤ ਚਮਕ ਦਿਲਾਟ ਨੂਰਾਨੀ ਏ ਦਸਾਂ ਗੋਲਣ ਵਾਲੇ ਸਾਈਆਂ ਦਸਾਂ ਗੋਲਣ ਵਾਲੇ ਸਾਈਆਂ ਅਸਾਂ ਜਿੰਦੜੀਆਂ ਗੋਲ ਘੁਮਾਇਆ ਅਦਾ ਵਾਹਨ ਮਨ ਮੋੜਿਆ ਅਦਾ ਵਾਹਨ ਮਨ ਮੋੜਿਆ ਜਦਾਂ ਜ਼ੁਲਫਾਇਆ ਹਰ ਸਜਾਇਆ ਹਿਨ ਖਾਲਕ ਕਸਮਾ ਛਾਇਆ ਅਦਾ ਵਾਹਨ ਮਨ ਮੋੜਿਆ ਜਦਾਂ ਮੁਤਲਬ ਦਾ ਹਾਲ ਡਿਠਾ ਉਹਦੀ ਦਾਈਂਦਾ ਬਖਤ ਇਕਬਾਲ ਡਿਠਾ ਉਹ ਜਦਾਂ ਮੁਤਲਬ ਦਾ ਹਾਲ ਡਿਠਾ ਉਹਦੇ ਦਾਈਂਦਾ ਬਖਤ ਇਕਬਾਲ ਡਿਠਾ ਖੜਿਆ ਕਿਨ ਸਾਰੀਆਂ ਦਾਇਆ ਖੜਿਆ ਕਿਨ ਸਾਰੀਆਂ ਦਾਇਆ ਨਾ ਲੱਖ ਤਨ ਹੋਣ ਵਧਾਇਆ ਅਦਾ ਵਾਹਨ ਮਨ ਮੋੜਿਆ ਅਦਾ ਵਾਹਨ ਮਨ ਮੋੜਿਆ ਜਦਾਂ ਜ਼ੁਲਫਾਇਆ ਹਰ ਸਜਾਇਆ ਹਿਨ ਖਾਲਕ ਕਸਮਾ ਛਾਇਆ ਅਦਾ ਵਾਹਨ ਮਨ ਮੋੜਿਆ ਉਹਦੀ ਮਾਸ਼ਰ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕੋ ਜੰਨਤ ਪੁਜਾਓ ਫਰਮਾਨ ਤੁਸੀਂ ਮਾਸ਼ਰ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕੋ ਜੰਨਤ ਪੁਜਾਓ ਫਰਮਾਨ ਤੁਸੀਂ ਮਜਾ ਤਾਹਿਰ ਨਾਤ ਬਣਾਇਆ ਮਜਾ ਤਾਹਿਰ ਨਾਤ ਬਣਾਇਆ ਹਿਨ ਆਸ਼ਕ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਇਆ ਅਦਾ ਵਾਹਨ ਮਨ ਮੋੜਿਆ ਅਦਾ ਵਾਹਨ ਮਨ ਮੋੜਿਆ ਜਦਾਂ ਜ਼ੁਲਫਾਇਆ ਹਰ ਸਜਾਇਆ ਹਿਨ ਖਾਲਕ ਕਸਮਾ ਛਾਇਆ ਅਦਾ ਵਾਹਨ ਮਨ ਮੋੜਿਆ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محفل ہے یہ آقا کی کیا خوب نظارے ہیں کچھ کر دو عطا ہم کو ہم مانگتے تمہارے ہیں اس در سے کسی کو بھی انکار نہیں ہوتا ہر ایک کا دعویٰ ہے سرکار ہمارے جو آیا بھری جھولی مایوس نہ لوٹ آیا چوکھٹ پہ تیری آقا مانگوں کے گزارے ہیں صدیق عمر عثمان حیدر سے کوئی پوچھے کیا شان
माशाल्लाह हजरत साहब तशरीफ आवरी थी गई आप तशरीफ घेना भरपूर अंदाज ना इस्तकबालिया सा नारा लावे मैं गुजारिश भी करे सा ए पाड़ा ना होवे थोड़ा जा तशरीफ ये नौ सौ शैतान दी कमर तोड़ के सारे नौजवान ये सारा रास्ता जरे ना क्योंकि जो ही हजरत साहब तशरीफ हैं नौसन ए जौक दर जौक ए उशाका ने मुस्तफा जिमे शम्मा दे उते परवाने हाजरे खिदमत थींदन दीवाने होदन इमे इंशाल्लाह अवाम अहले सुन्नत अपने बुजुर्गें दा एहतराम इज्जत वकार को मलहूज खातर रख करे उन्हें दा इस्तकबाल करे सोसा क्योंकि बड़े अच्छे अच्छे शख्सियत तशरीफ फरमा हैं हुन मैं गुजारिश करे सा जनाब मोहतरम हाफिज मोहम्मद हाशिम साहब को स्टेज दे उतर सन औसन एक नात शरीफ पढ़ सन एक नात शरीफ अहबाब की खिदमत गुजारिश होसी के जितना लम्हा तशरीफ रखो दरूद पाक पढ़ते रहो माशाल्लाह सुन्नी तहरीक दे शेर मैदान चा चुके नारे तकबीर वर्दियां पाके सुभान अल्लाह उन्हें एजाज है बयान नारा लाओ नारे तकबीर अल्लाह सुन्नी बन के नारे दे जवाब दो ढिले ढुले ना बाजारी नारा ना गजूर बन के नारे दे जवाब नारे तकबीर अल्लाह देखो जवान वर्दियां पाके तहफ़ुज़ वास्ते अहले सुन्नत दे तहफ़ुज़ वास्ते मैदान चाहे करे अल्लाह इन्हें दी उम्र दराज करे इन्हें दे बरकतां अता करे इन्हें दे दुख तकलीफां दूर करे फरहान करसो मरसो खलासी अता फरमावे नाराए तकबीर अल्लाह मजमा नाराए तकबीर अल्लाह नाराए रिसालत नाराए रिसालत नाराए खिलाफत नाराए हैदरी सुभान अल्लाह दरूद पाक सोने प्यारे मोहम्मद दी पैगंबर सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह وسلم عليك يا حبيب الله دیویں درد مندے جویں درد مندن मदीने दा वाली जिवें दर्द वंडदन मदीने दा वाली इवें दर्द कई तू वंडाए नी जांदे जिवें दर्द वंडदन मदीने दा वाली जिवें दर्द वंडदन मदीने दा वाली इवें दर्द कई तू वंडाए नी जांदे इवें दर्द कई तू वंडाए नी जांदे जिवें दर्द वंडदन अपने ते अपने बिगाने जो आवे अपने ते अपने बिगाने जो आवे सैचा कमली बिछावें सैचा कमली बिछावें इवें दर्द कहीं तू वंडाए नी जांदे इवें दर्द कहीं तू वंडाए नी जांदे जिमें दर्द वंड
मदीन दवाली इवें दर्द कहीं तू वंडाए नहीं जादे जिमें सोज करनी निहन सई को सुनाए जिमें सोज करनी निहन सई को सुनाए सई को सुनाए इवें दर्द कहीं तू वंडाए नहीं जादे जिमें दर्द वंड दे मदीने दा वाली इवें दर्द कहीं तू वंडाए नहीं जादे। माशाअल्लाह एहन जनाबे मोहतरम सोहनी मनमोहनी आवाज हाफिज मोहम्मद हाशिम साहब भाई दोस्तों हजरत साहब दी आमद आमद है एक मोहब्बत भरा नारा सुनवाओ चा अकीदत एहतराम दे नाल मोहब्बत दे नाल नारा तक फौजी शेर मैदान अल्लाह पाक ने में शेर वांगू आवाज दी है सूफी सरदार अहमद साहब औस गुजारिश करे सा स्टेज दे औसन पर्सन डू शेर ते इंशाल्लाह इनकलाब बरपा करे न सुभान अल्लाह दरूद पाक परसो बा आवाज बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम दुरूद शरीफ पढ़िए सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह व सल्लम अलैका या हबीब अल्लाह अज रात बन के आई रहमत बरा खजाना अज रात बन के आई रहमत बरा खजाना जश्न ईद मिलादुन नबी उलमाए अहल सुन्नत अरशात फरशताई अरशात फरशताई फरशात अरशताई अल्लाह दे अल्लाह दे नूर दिया और सिंत है शुआ अनमोल हर घड़ी है अनमोल हर घड़ी है मौसम मौसुआ के आई रहमत बरा खजाना
माशाल्लाह ई नाद दे दौरान जनाब मोहतरम पीर तरीकत सूफी मास्टर मोहम्मद खलील अहमद सैफी नक्शबंदी दामद बरकात मुलालिया तशरीफ गए और मिलाद कमेटी दे साडे सेक्रेटरी नशो शाह जनाब मोहतरम कारी अब्दुल कवी तारिक सिंह खुश आमदीद आदमी अहलन वसालन मरहबा सुभान अल्लाह एक मोहब्बत भरा नारा सुनाओ छा नारा तकबीर हाचा चा नारा तकबीर नारा रिसालत नारा रिसालत नारा खिलाफत नारा खिलाफत नारा हैदरी जश्न ईद मिलादुल नबी जश्न ईद मिलादुल नबी आका की आमद आका की आमद महबूब की आमद महबूब की आमद आका की आमद सरकार की आमद सरकार की आमद सरकार की आमद लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह 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 लब्बैक या साहिब अल जमाल व या सैयद अल बशर मिन वजह कल मुनीर लकद नुफर अल कमर ला युमकिन फनाओ कमा कान हक्कहु बादस खुदा बुजुर्ग तुई किस्सा मुख्तसर एक मुस्तफा का नाम है उर्दू दे विच अरबी एक मुस्तफा का नाम है नाम खुदा के बाद और जिस कदर भी नाम है सब मुस्तफा के बाद दुनिया में एहतराम के काबिल है जितने लोग हम सबको मानते हैं मगर मुस्तफा के बाद नाते रसूल मकबूल वास्ते नन्ना मुन्ना बच्चा आंदा पाए तवज्जो दे नाल समात फरमेशो मोहम्मद आदिल आवज मैदान चबा सल्लल्लाहु अलैका या रसूलल्लाह वसलम अलैका या हबीबल्लाह हाल दिल किसको सुनाए आपके होते हुए हाल दिल किसको सुनाए आपके होते हुए मैं गुलामे मुस्तफा हूँ मैं गुलामे मुस्तफा हूँ ये मेरी पहचान है गम मुझे क्यों कर सताए गम मुझे क्यों कर सताए आपके होते हुए हाल दिल की को सुनाए आपके होते हुए वो जमीन से आज पर बेगुमा वो जमीन से आज पर बेगुमा वो नजर नजर में कहाँ कहाँ वो नजर नजर में कहाँ कहाँ कभी सुएश कभी लामका कभी सुएश कभी लामका अब थे यहाँ अब है वहाँ खुदा के बाद मुस्तफा बलगल उला बे कमाल ही एक मुस्तफा का नाम है नाम है खुदा के बाद और जिसका दर भी नाम है सब मुस्तफा के बाद दुनिया में एहतराम के काबिल लोग हम सबको मानते हैं मगर मुस्तफा के बाद दिल की आंखों से काम लेता हूँ दिल की आंखों से काम लेता हूँ उनके दामन को थाम लेता हूँ दूर होती है मुश्किलें काजी जब मोहम्मद का नाम लेता हूँ हाल दिल किसको सुनाए आपके होते हुए बोलो सुर पर नाश करते हैं बोलो दौलत पे हमारे हाथों में दामन है मुस्तफा हम अपनी किस्मत पर नाश करते हैं हाल दिल किसको सुनाए आपके होते हुए मैं गुलामे मुस्तफा
मुस्तफा हूँ, मैं गुलामे मुस्तफा हूँ, ये मेरी पहचान है, गम मुझे क्यों कर सताए, गम मुझे क्यों कर सताए, आपके होते हुए जख्म दिल की को सुनाए, जख्म दिल की को सुनाए, आपके होते हुए हर बेसूल के लिए फितरी असूल जिंदा है, हर बेसूल के लिए फितरी असूल जिंदा है, कांतों का जुर्म तो फूल जिंदा है, हम मिला दे मुस्तफा बनाकर जमाने को बताते हैं, हाँ हाँ हम वही लोग हैं जिनके रसूल जिंदा है, हाल दिल की इसको सुनाए, आपके होते हुए हाल दिल की इसको सुनाए, गम मुझे क्यों कर सताए, गम मुझे क्यों कर सताए, आपके होते हुए मैं गुलामे मुस्तफा हूँ, मैं गुलामे मुस्तफा हूँ, ये मेरी पहचान है, गम मुझे क्यों कर सताए, आपके होते हुए हाल दिल किसको सुनाए, आपके होते हुए। माशाल्लाह इन्ना नमूना बच्चा बारगाह नबी विच अकीदतनामा पेश करन दा प्यारा अंदाज है, हुण गुजारिश करे सां सुभान अल्लाह, बस जिन्ने दे इंतजार ही तशरीफ खेलन उठे के इस्तकबाल करे सो उलमा नाल मोहब्बत ईमान दी पुख्ती दी दा इक जरिया है, तोशा आखरत ए जरिया निजात है, उलमा दी ज़ियारत बरकत जरिया निजात, गुनाह दा कफारा, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे खिलाफत, नारे हैदरी, जश्न ईद मिलादुन नबी, उलमाए अहले सुन्नत, सुभान अल्लाह। अगू तो थींदी आओ, अगू तो थींदी आओ, शैतान दी कमर तोड़ के अगू तो तशरीफ घेनो छो, माशाल्लाह जिन दा इंतजार रहा वो अजीम शख्सियत, वो मुफक्किर इस्लाम, खतीब पाकिस्तान, उस्ताद उलमा हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती शौकत अली सियालवी साहब, दामद बरकातहुम आलिया तशरीफ घेनैन, सुभान अल्लाह अजीम शख्सियत हैं भाइयों दोस्तों, हर बे उसूल के लिए फितरी उसूल जिंदा हैं, हर बे उसूल के लिए फितरी उसूल जिंदा हैं, कांटों का झुर उठो फिर भी फूल जिंदा है, हम मिलाद मुस्तफा मनाकर जमाने को बताते हैं, हाँ हाँ हम वही लोग हैं जिनके रसूल जिंदा हैं, जिंदा रसूल दे जिंदा उमतियो, हाथ चा के नारे दे जवाब दे सो, शेर मैदान चाह चुका इल्म दे शेर अकीदत एहतराम दे नाल जुर्रत दे नाल नारे दे जवाब हजरत साहब दा खिताब ला जवाब नारे तकबीर हाथ चाके सीने दा जोर लाके खाजा गुलाम फरीदी धरती दे लोगो खाजा साहब फरमांदे ने हिक्के हिक्के हिक्कु दम खिलाफत नारे हैदरी जाग उठे हैं अहले सुन्नत गूंज उठा ये नारा है दूर हटो ऐ दुश्मन मिल्लत पाकिस्तान हमारा है हजरत अल्लामा
मुफ्ती शौकत अली सियालवी साहब। نبیین وعلی آلہ و اصحاب میرے انتہائی واجب القدر والاحترام اکابرین ملت حضرات علماء ذیشان معزز مہمانان ذی وقار محترم حاضرین کرام اللہ کریم جل شانہ کی خاص رحمت میلاد اقدس میں حاضر ہیں۔ دعا ہے کہ رب کریم جل شانہ ہم سب کی اس حاضری کو اپنی بارگاہ اقدس میں قبول و منظور فرمائے۔ ہمارے برادر مکرم بھائی محمد کاشف نعیم خان صاحب اپنے برادران اپنے بزرگوں کی زیر سرپرستی جس عقیدت جذبے اور محبت کے ساتھ پیارے آقا کریم علیہ السلام کے ذکر مبارک کی اس بابرکت محفل اقدس کا اہتمام فرماتے ہیں، اللہ پاک قبول و منظور فرماتے ہوئے اس ذکر مبارک کے فیوز و برکات تمام منتظمین اور ہم سب حاضرین کو عطا فرمائے۔ آواز تھوڑی سی کم کر دیں جی اور ایکو بالکل ختم ہو گیا۔ قرآن مجید فرقان حمید میں سورہ البقرہ شریف کے اندر اللہ پاک کا ارشاد گرامی ہے، لا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون۔ اللہ پاک نے تمام کے تمام اہل ایمان کو حکم ارشاد فرمایا کہ من یقتل فی سبیل اللہ، ہر وہ مسلمان جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں قتل کر دیا جائے، لا تقولوا اس نے اس کو تم نے مردہ نہیں کہنا، لا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات، جو بھی اللہ پاک کے راستے میں قتل ہو جائے اس کو تم نے مردہ نہیں کہنا، بل احیاء بلکہ مقتول فی سبیل اللہ، جتنے بھی مسلمان ہیں مومن ہیں اللہ پاک نے فرمایا بلکہ وہ زندہ ہیں، ولکن لا تشعرون لیکن تم لوگ ان کی اس زندگی کا شعور نہیں رکھتے ہو۔ اب یہاں دو باتیں قرآن مجید فرقان حمید کے اس مقام پر آ رہی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی یہ بات بالکل بیان فرما رہا ہے کہ انہیں اللہ کے راستے میں قتل کر دیا گیا ہے، وہ قتل ہو چکے ہیں، اس بات کو قرآن مجید فرقان حمید بالکل مان رہا ہے، تسلیم فرما رہا ہے، لیکن قتل ہو جانے کے باوجود بھی اللہ پاک ارشاد فرما رہا ہے بل احیاء بلکہ وہ زندہ ہیں، لیکن ان کی زندگی تم لوگوں کے شعور سے بہت ماورا اور اعلیٰ ہے، لہذا جب وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بالکل زندہ ہیں تو لہذا لا تقولو انہیں مردہ تم نے نہیں کہنا۔ تو جو بھی شہید فی سبیل اللہ ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں قتل کر دیا جاتا ہے، قرآن مجید فرقان حمید نے واضح طور پر فرمایا کہ تم نے ان کو مردہ نہیں کہنا اپنی زبان سے بلکہ وہ زندہ ہیں۔ کسی بھی مومن اور مسلمان کے ذہن میں یہ بات آ سکتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرتے ہوئے اپنی قوم ملک اسلام دین کے دفاع کے لیے ہمارا ایک عزیز ہمارا ایک بھائی بالکل ہماری نگاہوں کے سامنے قتل ہو گیا، لیکن چونکہ رب کریم نے فرمایا ہے کہ ان کو مردہ نہیں کہنا لہذا ٹھیک ہے ہم زبان سے انہیں مردہ نہیں کہتے کیونکہ رب کریم نے ان کو مردہ کہنے سے منع فرما دیا، لیکن وہ قتل تو ہوا ہے اور شریعت مبارکہ بھی اس کے قتل ہو جانے کو اور اس دنیا سے چلے جانے کو بالکل تسلیم فرما رہی ہے، اسی لیے ہمیں شہید کا نماز جنازہ پڑھانے کا شریعت مبارکہ نے حکم دے دیا۔ اس کے علاوہ شہید اگر شادی شدہ تھا تو اس کی جو گھر والی تھی اسے بھی 4 مہینے 10 دن عدت گزارنے کے بعد آگے نکاح کی شریعت مبارکہ نے اجازت عطا فرما دی، تو اس کی عدت تو تب شریعت مبارکہ نے تسلیم فرمائی جب اس مقتول فی سبیل اللہ کا اس دنیا سے چلے جانا شریعت مبارکہ نے تسلیم فرما دیا۔ چنانچہ ہمارے پیارے آقا کریم علیہ السلام کے پیارے چچا زاد بھائی
हुजूर सैयदना जाफर बिन अबी तालिब अल हाशमी रजी अल्लाह तआला अन्हु, जिनको जाफर तैयार कहा जाता है और जिनके हवाले से अहदीस सहिया में यहां तक का मजमून मौजूद है कि ये वाहिद हस्ती है कि महबूब करीम अलैहिस्सलाम जिनके मुतल्लिक ये बात इरशाद फरमा रहे हैं फतेह खैबर के मौका के ऊपर, क्योंकि सैयदना जाफर तैयार नबी पाक अलैहिस्सलाम के प्यारे चचाजाद भाई हुजूर सैयदना अमीरुल मोमिनीन मौला कायनात करम अल्लाह ताला वजुल करीम से 10 साल बड़े उनके भाई हजरत जाफर बिन अबी तालिब, आप हिजरत हबशा फरमा गए महबूब करीम अलैहिस्सलाम के ऐलान नबूवत के 5वें साल, अल्लाह और उसके प्यारे रसूल अलैहिस्सलाम के हुक्म पर एक पूरी जमात ने हिजरत फरमाई। आप वहां हबश के अंदर तबलीग इस्लाम फरमाते रहे और जब आप वापस तशरीफ लाए मुहर्रम सन 7 हिजरी में तो आपने समंदर को पार किया अपने अजीजों समेत साथी मर्दो खवातीन समेत, और जब आप जजीरा नुमाए अरब में दाखिल हुए तो मदीना तैयबा से पहले ही खैबर आ जाता था यहूद का इलाका। महबूब करीम अलैहिस्सलाम उस वक्त खैबर को फतह फरमा चुके हैं, आके करीम अलैहिस्सलाम खैबर के इंतजामात मुकम्मल फरमा रहे थे जब हबशा से ये पूरे का पूरा काफिला बरास्ते खैबर जो है मदीना तैयबा की तरफ जा रहा है। खैबर में पहुंचे तो पता चला कि महबूब करीम अलैहिस्सलाम तो यहीं जलवा करें, और अल्लाह पाक ने महबूब करीम अलैहिस्सलाम की ज़ाते बाबरकात को पूरे के पूरे खैबर के ऊपर फतह अता फरमाई है। और हमारे प्यारे भाईजान हुजूर मौले कायनात करम अल्लाह ताला वजुल करीम के जरिए ही अल्लाह पाक ने खैबर की फतह मुकम्मल फरमाई है। फातह खैबर हुजूर सैयदना अमीरुल मोमिनीन मौले कायनात करम अल्लाह ताला वजुल करीम की ज़ात बबरकत है। आप महबूब करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर हो गए और महबूब करीम अलैहिस्सलाम ने हदीस से सही है कि जिवें ही हजरत सैयदना जाफर बिन अबी तालिब रदी अल्लाह ताला अन्हु अपने साथियों के नाल काफिले के नाल तशरीफ लियांदे हुए डिटा तो महबूब करीम अलैहिस्सलाम बादारा इलैह आप तेज नूरानी कदमों के नाल चल के अगे बन के इस्तकबाल फरमाया। हजरत सैयदना जाफर तैयार रदी अल्लाह ताला मुआनका फरमाया अपने सीने अकदस्त नाल लाया कब्बला बैना ऐनी है उन्हां दी पेशानी मुकद्दस ते दोने मुबारक अखां दे दरमियान बोसा अता फरमाया और महबूब करीम अलैहिस्सलाम अपने नाल लेके अपनी मसनद उत्ते तशरीफ लेके आए और फरमाया के मैं दसा नहीं सकदा कि मैनू खैबर दी फतह दी ज्यादा खुशी है या अपने चचाजाद भाई हजरत जाफर तैयार दे तशरीफ लियावण दी ज्यादा खुशी है। उन्हां दी तशरीफ आवरी दुते महबूब करीम अलैहिस्सलाम दी ज़ाते बबरकत ने इतनी मुसर्रत और खुशी का इजहार फरमाया। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला फरमांदे ने कि जब तक सैयदना जाफर तैयार रज़ी अल्लाह तआला आलम दुनियाद भी जलवा कर रहे असा सखावत दे एतबार दे नाल किसे हस्ती नूं भी हजरत जाफर तैयार रज़ी अल्लाह तआला फजीलत ना से देंदे। हजरत जाफर रजी अल्लाह तआला ओ मकबूल हस्ती हैं कि महबूब करीम अलैहिस्सलाम ने उन्हां दी शहादत तो बाद खबर अता फरमाई कि अल्लाह तबारक व तआला दी तरफों उन्हां दो नूरानी पर और बाजू अल्लाह पाक ने अता फरमा छोड़े वाहुआ यतीरो फिल जन्नत मअल मलाइकत हैसो यशाउ और मेरे जाफर तैयार उन्हां नूरानी बाजुआं दे नाल मलाइके किराम अलैहिस्सलाम दे नाल मिलके जन्नत दुते जिस मकाम ते भी चाहंदे ने आप अपनी परवाज कर रहे हैं। उन्हां दी शहादत तो बाद नबी पाक अलैहिस्सलाम दे इस फरमाने ग्रामी दी वजह तो तैयार दा लकब उन्हां नूं मिला। तैयार दा मानो दे बहुत ज्यादा उड़ने वाला, हवाई जहाज नूं भी तैयारा आखा वेंदे अरबी जुबान विच क्योंकि वो तैरान तो उड़दा है। हजरत सैयदना जाफर रजी अल्लाह तआला दी शहादत जमादी सानी सन 8 हिजरी और आप देखो कि महबूब करीम अलैहिस्सलाम आप दी शहादत की खबर भी अता फरमाई उस तो बाद आप वास्ते मजले से ताजियत भी कायम फरमाई। यदि इको खत्म करवा चा क्यों आवाज लौट के आंदी है मेहरबानी। अबू दाऊद शरीफ की दूसरी जिल्द किताबुल जनाइज दे विच हदीसे सही है मुसनद अहमद और दीगर बहुत सारी किताबों विच कि जिवें ही हजरत सैयदना जाफर तैयार रजी अल्लाह तआला दी महबूब करीम अलैहिस्सलाम ने खुद शहादत की खबर अता फरमाई है बल्कि ये वो करीम हस्ती हैं कि महबूब करीम अलैहिस्सलाम अब्दुल्लाह बिन रवाहा अंसारी रदी अल्लाह तआला अन्हु मजमाइन ये भी तीन खास हस्तियां कमांडर इन पे
और दीगर बहुत बड़ी जमात है, उन्होंने आपने उस वक्त दी रोमन इंपायर के खिलाफ, सुपर पावर के खिलाफ जिहाद वास्ते आपने रवाना फरमाया। और महबूब करीम अलैहिस्सलाम ने सब तो पहले झंडा जड़ा आई वो हजरत सैयदना जाफर तैयार रजी अल्लाह तआला अता फरमाया अपने चचाजाद भाई नू, फरमाया इन उसीबा अगर जाफर शहीद हो वन अलमन बे जैद इबन हारसा था तो वह झंडा उसी मुसलमाना दा हजरत जैद इबन हारसा रजी अल्लाह तआला हजरत उसामा दे वालिद दे कोलो, इन उसीबा अगर हजरत जैद रजी अल्लाह तआला भी जामे शहादत नोशमा वन अलमम बे अब्दुल्लाह इबन रवाहा था तो वत झंडा उसी हजरत अब्दुल्लाह बिन रवाहा अंसारी रजी अल्लाह तआला दे कोलो, और अगर हजरत अब्दुल्लाह बिन रवाहा अंसारी भी शहीद हो वन तो वत मई यक देरो अला अलमिल मुस्लिमीना व जेड़ी हस्ती मुसलमाना दे झंडे उत्ते कुदरत पावन कादिर हो वन जेंदे कोल वत मुसलमाना दा झंडा आवे, फरमाया तुसा सब नू वत असा अल्लाह दे महबूब हुक्म अता फरमा रहे तुसा वत उस अलमबरदार दी क्यादत नू तस्लीम करना उसी और उन्हां दी इतात करनी उसी उन्हां दे ज़ेरे कमान तुसा वत जिहाद करना उसी। महबूब करीम अलैहिस्सलाम जिस दे मुतलक जो फरमावन उस तरीके होया करदा है। महबूब करीम अलैहिस्सलाम नू अल्लाह पाक ने जो इल्म अता फरमाया है तकवीनी उमूर और कायनात दे मामलात दा भी, महबूब करीम अलैहिस्सलाम दी निगाह अकदस दे सामने आई कि हजरत जाफर तैयार भी जामे शहादत इस जिहाद च नोश मैसन, दमिश्क अज भी शाम दा दारुल हुकूमत है, दमिश्क दे करीब है बलकान दा इलाका और बलकान दा एक वसीओ अरीज मैदान है जिसनों उत्तों दी अरबी विच मूता आखा वेंदा है, अज भी उस इलाके दा नाम मूता है और इस जंग दा नाम भी जंगे मूता गजवे मूता इसनों करार दिता वेंदा है अरबी जुबान विच। इन्हां तिन्ने हस्तियां दा महबूब अलैहिस्सलाम ने इसमें ग्रामी लिया कि यह जामे शहादत नोश मावे सन, लेकिन अल्लाह पाक दी बारगाह दे नाल महबूब करीम अलैहिस्सलाम दे गुलामां नूं इतनी मुहब्बत है, महबूब करीम अलैहिस्सलाम दी बारगाह दे नाल दीने इस्लाम दे नाल इतनी मुहब्बत है कि इन्हां तिन्ने हस्तियां दे मुतालिक नाम लेके महबूब करीम अलैहिस्सलाम ने उन्होंने सामने फरमा छोड़ा है कि अगर ये जामे शहादत नोश मरावन तो इन्हों तू बाद फुलां हस्ती वो अलंबरदार और मुसलमाना दे कमांडर इन चीफ होसन वो जामे शहादत नोश फरमावन तो अगली हस्ती का इसमें ग्रामी लिया ये मुसलमाना दे वत अमीर होसन उत्थे लश्कर दे विच। तिन्ने हस्तियां नू पता है कि महबूब करीम अलैहिस्सलाम की जुबान अकदस तू साडे मुतलक शहादत की इत्तला हो चुकी है, लेकिन क्या उन्हां हस्तियां ने कोई उजर पेश किया है कि हजूर असा शादी शुदा हैं, हजरत जैद आप भी शादी शुदा हस्तीन घर वाले मौजूद इन पे, हजरत अब्दुल्ला बिन रवाहा भी साहिब औलाद हैं बेटे बेटियां उन्होंने मौजूद हैं मदीना तैयबा, हजरत जाफर रदी अल्लाह तों दे फरजंदान मौजूद इन पे, महबूब अलैहिस्सलाम दे सगे चचाजाद भाई महबूब दे इंतहाई शफीक और मेहरबान करीम चचा जान हजरत अबू तालिब दे फरजंद हैं, सैयदना मौला कायनात दे बड़े भाई हैं, लेकिन किसी ने भी अर्ज नहीं की थी हजूर करम फरमाओ जिसे असा उत्थे कतल हो वरना है हजूर मेरा फुला मामला है मैं ना उस पास रवाना करो, नहीं इतना शौक शहादत अज तक लोग महबूब करीम अलैहिस्सलाम दे अहले बैत अथार दी पाकीजा हस्तियां दे बारे च अजीब व गरीब गल्लां करदे ने, जरा उन्हां हस्तियां दी कुर्बानियां तां मुलाजा फरमाओ, हजरात सहाबा इकराम रजी अल्लाह तआला अन्हुम अजमईन दी पाकीजा बारगाहां दे मुतल्लिक तरह तरह दियां गल्लां करदे ने मनफी, उन्हां हस्तियां दियां अजमतां और कुर्बानियां और अल्लाह उर दे महबूब दी बारगाह नाल इखलास इस्लाम वास्ते जिहाद और कुर्बानी दा जज्बा ता मुलाहजा फरमाओ। अज किसे जाकिर साहब नू आख वी नहीं है जी इस पासे तो रात नू डाका पौंदा है, वो अपना 40 किलोमीटर दा उत्तू चक्कर कढ़ लै सन, लेकिन उस खतरनाक रास्ते आले पास नू वैसे जान इतनी प्यारी है भाई, जब तक अज फीसा ना तय हो वन कोई बन के खिताब और जनाब जिक्र हुसैन पाक रदी अल्लाह रोकण वास्ते तैयार नहीं है पिया, और वह हस्तियां जिन्हां नू अल्लाह दे प्यारे महबूब नबी अलैहिस्सलाम यकीनी तौर पर शहीद हो वन दी और कतल हो वन दी इत्तला अता फरमा रहे, लेकिन वह पहले नालों भी ज्यादा जज्बे दे नाल राहे खुदा की तरफ तशरीफ लेके जा रहे हैं। हजरत सैयदना जाफर तैयार रदी अल्लाह तआला आपने गजवे मूता दे विच जामे शहादत और बुखारी शरीफ दूसरी जिल्द 665 किताबुल मगाजी बाब गजवे मूता दे विच हदीसे सही है ये लश्कर महबूब अलैहिस्सलाम ने रवाना फरमा छोड़ा, कई दिन लग गए मदीना तैयबा तो दमिश्क पहुंचन तक, यहां तक के बलकान के इलाके पहुंच गया, अगे रोमन इंपायर की अफाज जो मौजूद इन पे अपने दिफा वास्ते, जिस दिन उत्थे बन के जंग शुरू हुई है महबूब करीम अलैहिस्सलाम हर हर लम्हा उत्ते मदीना तैयबा निगाह रखे हुए हैं,
अज साडा लश्कर किस मकाम ते पहुंच गया है, वो जोहर की नमाज कित्थे अदा फरमा रहे, असर उन्होंने कित्थे सब महबूब अलैहि सलाम दे इल्मे मुकद्दस विच है। जिस दिन जंग शुरू हुई है महबूबे करीम अलैहि सलाम जला सा अलल मिंबर है, बुखारी मुस्लिम तिरमजी सब विच है, महबूब अलैहि सलाम मिंबर मुकद्दस उत्ते जलवागर हो गए और महबूबे करीम अलैहि सलाम ने फरमाया बकायदा और जंग जारी हो गई है। असा मदीना तैयबा चों दमिश्क दे इलाके बलकान दे मैदाने मूता दे जुमला मामलात नूं अपनी अखां मुबारक दे नाल मुलाहजा फरमा रहे हैं। अज ते दरसे तौहीद भी तवें दा नहीं, अंबिया इकराम अलैहि सलाम दी मुकद्दस हस्तियां नूं जो दीवार दे पिछे दा क्या पता। वजह यह है कि हजरात अंबिया इकराम अलैहि सलाम नूं अपने जैसा समझ लिया ने, इतना गुरूर तकबर आ गया है हाँ जी कि उस नूरे नबूत और मकामे नबूत की कोई इम्तियाजी शान या इस ज़हनां दे विच कोई नहीं है पई, और ना अफसोस इसका तौहीद रखा वेंदा है। हजरत सैयदना ईसा अलैहि सलातु सलाम की जाते बाबरकात फरमाते हैं, कुरान फरमा रहे अना उनब्बेकुम बिमा ताकुलूना वमा तद्दखिरूना फी बुयूतकुम, ए बनी इसराइल चाहे किसी का घर 1 किलोमीटर के फासले से किसी का 100 किलोमीटर के फासले से, फरमाया जितने भी तुसा बनी इसराइल हो जो कोई तुसा खा के आंदे हो मैं उसकी भी तुहानू खबर दे सकदा कि तुहाडे मेदे के 7 पर्दे अंदर भी क्या चीज़ है, तुसा किहड़ी शै खाधी होई है। वमा तद्दखिरूना फी बुयूतकुम, जितने फासले और दूरी उत्ते जिसका भी घर मौजूद है, फरमाया तुहाडे घर का कोई कोना कोई जाविया कोई मकाम मैं अल्लाह के बरहक नबी ईसा इब्ने मरियम अलैहिस्सलाम की निगाह और इलम तो पोशीदा नहीं है, मैं इतना ही बैठ के तुम दस सकदा जो कोई तुम अपने घर जमा करके रख दो, तुहाडे घर का जर्रा जर्रा कोई एक चीज भी मैं अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की निगाह तो पोशीदा नहीं। हजरत सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम का बहुत बड़ा मकाम और मरतबा है, लेकिन वह साढ़े प्यारे महबूब नबी अलैहिस्सलाम के उम्मती रसूल और उम्मती नबी अलैहिस्सलाम हैं। शबे मेराज साढ़े महबूब अलैहिस्सलाम मुक्तदी हस्तियां पईयां, जिसले महबूब के उम्मती हैं हर उम्मत के उत्ते फैजान अपने रसूल और नबी अलैहिस्सलाम का होया करता है। इस वास्ते तमाम रसूलों ने इज़ाम अंबिया इकराम अलैहिस्सलाम की मुकद्दस ज़ातां ते जितना फैज है वह फैज सारे का सारा नबूवत मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम दा है। तो ये शान है खिदमत गारों की, सरदार का आलम क्या होगा। चुनाचे बुखारी शरीफ दी चे कि महबूब करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया अलमम बे जाफर इब्ने अबी तालिबिन, अलम इस वक्त मेरे चचाजाद भाई हजरत जाफर तैयार दे कोले, वह हुआ यमदी और मुसलमाना दी बेहतरीन क्यादत फरमा रहे। कुछ देर तो बाद बुखारी शरीफ दी चे कि अना हो तजरोफान, साडे प्यारे महबूब करीम अलैहिस्सलाम दी मुकद्दस नूरानी अखां तो कुर्बान वन्यू आंसू मुबारक जारी हो गए और महबूब करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया अन्नाहू कद उसीबा, मेरा प्यारा चचाजाद भाई हजरत जाफर तैयार जामे शहादत नोश मागन, और फरमाया झंडा हजरत जैद इब्ने हारसा कोले, वह हुआ यमदी और आप क्यादत फरमा रहे। कुछ देर तो बाद वत महबूब करीम अलैहिस्सलाम दी मुकद्दस नूरानी अखां चो आंसू अना हो तजरोफान, आंसू मुबारक जारी हो गए, फरमाया अन्नाहू कद उसीबा, हजरत जैद भी जामे शहादत नोश मा गए, और फरमाया हजरत अब्दुल्ला बिन रवाहा अंसारी के हाथ दे भी झंडा है, असां अल्लाह दे महबूब इतू मुशाहदा फरमा रहे, और नमाज असर महबूब अलैहिस्सलाम ने पढ़ा के आप दी अखां चो आंसू जारी, और महबूब करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया हजरत अब्दुल्ला बिन रवाहा अंसारी रजी अल्लाह तआला अन्हु जिन्हां दे पहले बाजू कट गए जिसमें अनवर दे टुकड़े टुकड़े हो गए, आप भी जामे शहादत नोश मा गए, और इरशाद फरमाया कि अलमन बे यदे सैफ मिन सुयूफिल्लाह अल्लज़ी सल्लल्लाहु अलल कुफार, हुण मैं अल्लाह दा महबूब नबी अलैहिस्सलाम इत्थों अपने मिंबर शरीफ तो मुलाहजा फरमा रहा कि झंडा अल्लाह तबारक व तआला दी नंगी तलवारां विचों उस तलवार के हद में आ चुका है जिसको अल्लाह पाक ने कुफारो मुशरकीन के खिलाफ म्यान चू कढ़ छोड़ा है। हजरत खालिद बिन वलीद मखजूमी रदी अल्लाह तआला देख लो दमिश्क का फासला और मदीना तैयबा का फासला भी मुलाहजा फरमा रहो, और जो कुछ उस मैदान हो रहे हैं महबूब करीम अलैहिस्सलाम आप मदीना तैयबा जलवा गर होकर सारा कुछ बयान फरमा रहे हैं। एक एक वाकया नबी पाक अलैहिस्सलाम अपने गुलामों को बयान फरमाते रहे बयान फरमाते रहे, यहां तक कि अल्लाह तबारक व तआला ने मुसलमानों उस मैदान कामयाबी अता फरमाई। हजरत सैयदना खालिद बिन वलीद रदी अल्लाह तआला अन्हु ने जंग दे मामलात तो फारिग होके फौरी तौर पर कासिद जड़ाई मदीना तैयबा की तरफ दौड़ाया। चंद दिन बाद जिसले कासिद तमाम अहवाल और वाकयात की खबर लेके मदीना तैयबा दी चाया तो बुखारी शरीफ दे विच इसे हदीस पाक दे आखिरी मजमून है कि मदीना तैयबा दे जितने भी महबूब करीम अलैहिस्सलाम दे गुलाम मौजूद हैं वो सब मस्जिद शरीफ विच उस कासिद दे इर्द गिर्द जमा हो गए, और उस दे डसावण तो पहले ही
जंग दे और रास्ते दे विच वंजन दे जितने छोटे छोटे वाकयात भी आए उस सारे दे सारे बयान करने शुरू कर दिते। वो कासिद बड़ा हैरान हो गया और उसने अहले मदीना से सहाबा इकराम नू फरमाया कि क्या साढ़े अमीर हजरत खालिद बिन वलीद मखजूमी रदी अल्लाह तआला ने मेरे को पहले भी कोई कासिद तुहाड़ी तरफ भेजा जिसने इतने तफसीली मामलात सारे दे सारे तुहानू आके बयान फरमा छोड़े। उन्हें आखिया जी नहीं कासिद तुसा ही पहले आयो लेकिन जो कुछ भी होता रहे साढ़े महबूब अलैहिस्सलाम मिंबर शरीफ ते जलवा गर होके एक एक वाके की सानू खबर अता फरमाते रहे। हुण कासिद आया ना जी कई दिन बाद उसने तो दिमश्क के उस इलाके मूता बलकान चू चलना यूरवत मदीना तैयबा आ पहुँचना आई सफर करके। लेकिन जिवें ही महबूब करीम अलैहिस्सलाम ने ना शहादा की शहादत की खबर अता फरमाई आई अबू दाऊद शरीफ दूसरी जिल सफा 99 किताबुल जनाइज दे विच हदीस सही है कि जला सफिल मस्जिद हजरत सैयदना जाफर तैयार रजी अल्लाह तआला चूंकि महबूब करीम अलैहिस्सलाम दे चचाजाद भाई इन पे उन्होंने अब्बा जान विसाल फरमा चुके हैं हजरत अकील इन तो वह अजे तक चुके मुशरबा इस्लाम नहीं हुए बाद रमजान उल मुबारक इसे सन 8 हिजरी फतेह मक्का के मौके उत्ते गजवे मूता तो फौरन बाद चंद महीने मक्का मुकरमा फतेह हो रहे। हजरत जाफर तैयार रजी अल्लाह तआला दे इस वक्त वली अकबर हैं तो उन्होंने भाई हजूर मौले कायनात लेकिन उतो खुद महबूब करीम अलैहिस्सलाम की जेर तरबियत अस्ती हैं तो चूंकि महबूब करीम अलैहिस्सलाम अना औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसहिम महबूब करीम अलैहिस्सलाम सारे औलिया अकाबर तो भी वड्डे वली हैं अपने हर उम्मती दे लिहाजा जला सफिल मस्जिद महबूब करीम अलैहिस्सलाम मजलिस ताजियत मस्जिद शरीफ कायम फरमाई व यूरफ फी वजल हुज़्नो और हजरत जाफर तैयार और दीगर शुहदा दे जुदाई और फिराक दे बायस महबूब करीम अलैहिस्सलाम दे चेहरे अनवर दुते हुज़्न और गम दे आसार दुआवां दा सिलसिला जारी हो गया। बल्कि इमाम वाकदी मुहम्मद बिन उमर वाकदी जो कि 204 हिजरी च विसाल कर रहे उन्हां दी तां रिवायात विच ए चीज़ है कि महबूब अलैहिस्सलाम जिस शहीद की शहादत की खबर अता फरमाते हैं नाल ही नजर आले मिंबर महबूब अलैहिस्सलाम मिंबर शरीफ तो उतरते हैं चूंकि गायबाना जनाजा नहीं बनती महबूब अलैहिस्सलाम तो सारा मैदान मूता अपनी निगाह नाल देख रहे हैं लिहाजा नबी पाक अलैहिस्सलाम ने जनाजा पढ़ें ध्यान चा सल्ला अलैह हर शहीद का महबूब ने जनाजा पढ़ा के हाँ जी सुम्मा दआ मत बकायदा जनाजे तो बाद हाथ उठा के दआ लहू उन्हों का ना गिन के उन्होंने हक दुआ फरमें ध्यान चा अल्लाह अकबर या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिंदाबाद। मस्जिद शरीफ दी महबूब करीम अलैहिस्सलाम ने मजलिस ताजियत कायम फरमाई कुछ देर आप तशरीफ फरमा रहे दुआवां फरमाइया उस तो बाद आप हजरत जाफर तैयार के घर ही तशरीफ लेके गए तो हजरत जाफर रजी अल्लाह तुंदी जौजे मोहतरमा महबूब करीम अलैहिस्सलाम और हजूर सैयदना मौला कायनात करम अल्लाह तआला वजल करीम दी भाभी जान मोहतरमा हजरत सैयदा असमा बिनते उमैस रजी अल्लाह तआला महबूब करीम अलैहिस्सलाम घर ही तशरीफ लेके गए और हजरत असमा बिनते उमैस रदी अल्लाह तआला ने इरशाद फरमाया कि वह फरूख कितन फरूख आखद अरबी जुबान दे चिड़िया दे छोटे चूजे नू क्योंकि सैयदना जाफर दे बच्चे छोटे छोटे उम्र दे विच हज़रत अब्दुल्ला बिन जाफर उन्होंने हमशीरा गान तो महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि प्यारे चूजे प्यारे प्यारे बच्चे कितन उन्होंने ले के आओ हज़रत सैयदा असमा फरमाईन चूंकि बच्चे खेल कूद दे विच पे और उन्होंने कपड़े भी ज्यादा साफ कोई ना उस वक्त और महबूब करीम अलैहिस्सलाम अचानक साढ़े घर ही तशरीफ लाए हजरत जाफर जिहाद दुते गए उन तो फरमाया वत मैं मुनासिब नहीं समझा कि जेड़ी हालत बच्चियों मैंने फौरन महबूब की बारगाह क्योंकि पता ही कि महबूब करीम अलैहिस्सलाम बच्चियों उत्ते कितनी करवनवाजी फरमाए दिन कितनी मेहरबानी फरमाए दिन आपने तो फौरन उन्होंने सीने नाल बिलावना है गोद मुबारक ही बिठावना है और महबूब करीम अलैहिस्सलाम जैसी नफीस बारगाह और तय्यब ताहिर हस्ती लिहाजा फरमा दिन मैं जल्दी जल्दी अपने बच्चों के कपड़े तब्दील किए उन्होंने चेहरे धोते हथ वगैरह उन्होंने धोते साफ सुथरा करके बच्चों तैयार करके महबूब अलैहिस्सलाम जो बाहर से आने तशरीफ फरमान बच्चों के इंतजार च मैं अंदरों तैयार करके बच्चे पेश किए बस जिमें ही बच्चे सामने आए आप फरमा दें कि महबूब अलैहिस्सलाम की अखा मुबारक चो फौरन आंसू कतार की सूरत जारी हो गए और महबूब अलैहिस्सलाम ने तो रोना शुरू कर दिता और बच्चियों इस तरीके महबूब अलैहिस्सलाम ने अपने सीने अकदस नाल बार बार उन्होंने बोसा लै रहे उन्होंने सरां का बोसा लै रहे करम नवाजी फरमा रहे आप फरमाइंदियां कि मैं फौरन समझ गई कि यकीनन हजरत जाफर के मुतलिक महबूब अलैहिस्सलाम कोई ऐसी खबर आ गई है। मैं अर्ज़ की हजूर जाफर नूं क्या होया मेरे शोहरे नामदार का मामला क्या है तो महबूब करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अन्नहू सीबा असमा
حضرت جعفر اللہ تعالیٰ دی بارگاہ دے چھ درجہ شہادت اتے فائز ہو گئے۔ اس تو بعد فرمایا جو ساڑی ایک حالت ہونی ہے اتنی بڑی عظیم کریم ہستی دی جدائی دا ایک صدمہ معاملات، فرمایا اساں وت اس غم دی حالت وچ مبتلا ہو گئے اور ہر طرف ساڑی توجہ ہٹ گئی۔ تو محبوب کریم علیہ السلام دی وت حدیث پاک ابو داؤد شریف سنن نسائی دے وچ مسند احمد وچ صحیح سند نال موجود ہے کہ محبوب کریم علیہ السلام دے نال ہی چند ایک ہستیاں بھی نال آ گئیاں۔ محبوب کریم علیہ السلام نے سپیشل انہاں نوں فرمایا کہ اسنا اول آل جعفر انت آمن، اس طرح کرو کہ انہم قد آتاہم امر یشغلہم، آئی دیکھ رہے ہو کہ میرے چچا زاد بھائی دے گھر دے وچ کیا صدمے دی، حضرت جعفر شہید ہو گئے، انہاں دے بچے یتیم ہو گئے اور حضرت اسماء انہاں دی غم دی حالت تسا دیکھ رہے ہو، مغلوب الحال ہو چکی ہیں، لہٰذا وہ کیویں اج اپنے چھوٹے بچیاں نوں سنبھال سن، کس طریقے انہاں دے کھاون پیون دا انتظام کر سن، وہ اپنے واسطے کیویں کھانا بنا سن۔ لہٰذا اسنا اول آل جعفر انت آمن، جتنے بھی تساں اہل مدینہ حضرت جعفر تیار دے ہمسائیگی دے وچ رمن والے صحابہ کرام ہو، اپنے اپنے گھراں وچوں کھانا تیار کر کے آل جعفر واسطے حضرت جعفر دے گھر والیاں واسطے بھیجو۔ انہم آتاہم امرن، انہاں دے اتے ایسا امر نازل ہو گئے یشغلہم، جڑا انہاں نوں مشغول کیتی رکھے وہ اج کھانا نہ بنا سکسن۔ اسے واسطے ایسا مسلمانہ دا طریقہ ہے کہ جتھے بھی فوتیدگی ہوئے جتنے ہمسائیگی دے مسلمان ہوندے رشتہ داری ہوئے نہ ہوئے، لیکن اللہ پاک دے پیارے محبوب نبی علیہ السلام دا سانو حکم ہے کہ جس گھر دے وچ بھی امر ربی نازل ہو ونیے موت فوت دا معاملہ ہو ونیے تو باقی ہمسائیگی والے مسلمان انہاں تو بے تعلق نہ رہن، یہ نہیں کہ اپنے اپنے معاملات دے وچ اور کاروبار انہاں چ نہیں، فوری طور تے تعزیت واسطے بھی آمن، انہاں نوں تسلی دے کلمات، میت دے کفن دفن دے معاملات نوں سنبھالن اور اُدے نال خصوصی طور تے اپنے گھراں دے وچوں کھانے دا اہتمام کرن اور انہاں دے گھراں دے وچ کھانا پہنچاون۔ اگر خود اہل میت دے کول بھی اتنے وسائل موجود ہیں، افراد موجود ہیں، ملازمین موجود ہیں کہ خود بھی اگر وہ اپنے مہماناں واسطے کھانا پکا سکن انہاں واسطے بھی جائز ہے، شریعت مبارکہ نے انہاں نوں بھی منع نہیں فرمایا، لیکن ایک اسلامی تہذیب یہ ہے کہ وہ گھر والے کھانا نہیں پکیندے بلکہ ہمسائیگی دے مسلمان جڑن اس دکھ دی گھڑی دے وچ انہاں دا ساتھ دیندن۔ میں گزارش یہ کرساں کہ حضرت سیدنا جعفر تیار رضی اللہ عنہ بنی ہاشم دی ممتاز ہستی ہیں، محبوب کریم علیہ السلام دے اس چچا زاد بھائی دی شہادت تو بعد 4 مہینے 10 دن آپ دی زوجہ محترمہ حضرت سیدہ اسماء بنت امیس رضی اللہ عنہ نے عدت گزاری، اور اس تو بعد آپ دیکھتے ہو کہ حضرت امیر المومنین ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس مائی صاحبہ نو خطبہ کیتا، پیغام نکاح بھیجا اور انہوں نے محبوب کریم علیہ السلام نال مشورہ فرما کے باقاعدہ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی بیوہ نے محبوب دے ہی مشورے دنال، حضرت سیدنا مولا کائنات کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم دے ہی مشورے دنال اس خطبہ نکاح نو یعنی پیغام نکاح نو قبول فرمایا، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ حضرت اسماء دا نکاح خود محبوب کریم علیہ السلام دی ذات بابرکات نے پڑھایا۔ اس طرح حضرت جعفر تیار دے بچیاں نو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جیسی شفیق ہستی میسر ہو گئیاں، حضرت جعفر تو بعد کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جس طریقے باقی غرابا مساکین یتیمہ کتنے سارے حضرات ہیں جنہاں دی کفالت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمائیے، اور حضرت ابو بکر صدیق یتیمہ مسکینہ دے خیال اچ معروف ہستین، اب قرآن پاک اس معاملے دے وچ نازل ہوئے واضح طور تے سورۃ اللیل دے وچ اللہ پاک دے ارشاد گرامی لا یأتلی اولو الفضل منکم والسعتے، یہ کیوں آیت اتری ہے کہ جس نے حضرت ام المومنین دے متعلق منافقین نے جھوٹی افواہ پھیلائی تہمت لائی، واقعہ افق شابان سن 5 ہجری، تو حضرت ابو بکر صدیق دی بیوہ خالہ آئی اور یتیم خالہ زاد بھائی آئی حضرت مستہ رضی اللہ عنہ مستہ بن اساسہ، اپنی خالہ دے جملہ اخراجات انہوں دے گھر رہائش کھاون پیمن لباس علاج معالجہ جملہ ضروریات اور اپنے خالہ زاد بھائی دی جملہ کفالت حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ فرمائیں دیان، اور وقت جس وقت حضرت ام المومنین رضی اللہ عنہ دے منافقہ تہمت لائی، چونکہ محبوب دے حرم محترم اور محبوب دی عزت و غیرت دا معاملہ ہے، حضرت ابو بکر صدیق اپنی ذات دے حوالے نال کوئی اس طرح دا اقدام نہ کر دے، لیکن جس لئے ڈٹھا کہ میرا سگا خالہ زاد بھائی ہوئے اور میں ہی دی کفالت کر دوں ماں
और वत महबूब दी इज्जत और गैरत का भी इसनों कोई ख्याल नहीं, और इसने एक जुमला उछाल छोड़ा है तो वत आपने कसम उठाई कि अल्लाह की कसम में अज तो बाद मिस्ता बिन इसासा दी कोई खबरगिरी ना कर सा, एक टेढ़ी पैसा भी ना दे सा, सबब सिर्फ महबूब नाल मोहब्बत है कि ठीक है वो मेरी बेटी है लेकिन हूँ वो मेरी बेटी बाद चिन, पहले वो महबूब की इज्जत और महबूब का हरम है मोहतरम है, और रिश्तेदारों के इस तरह की गल। वत अल्लाह पाक ने जिसले एक महीना बाद शव्वाल उल मुकर्रम सन 5 हिजरी सूरह अन्नूर नाजिल फरमाई जिद अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशतु सिद्दीका रदी अल्लाह तआला अन्हा दी शान मुकद्दस 10 आयात बय्यनात नाजिल फरमाईया, और कायनात दी सब तो तय्यब और ताहिरा तरीन हस्ती हजरत उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशतु सिद्दीका रदी अल्लाह तआला अन्हा नु कुरान ने करार दिता। उस वक्त जड़े झूठी तोहमत लावन कह पाक दामन मुसलमान मर्द उत्ते पाक दामना औरत उत्ते उसके अहकाम भी सूरह नूर के आगाजी नाजिल हो गए, नाल ही हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह तआला वास्ते भी अल्लाह ने उन्होंने शान ची मकाम नाजिल फरमाया। ला यात अली फरमाया तुआडे विचू जड़ियां हस्तियां उलुल फजल फजीलत वाली अल्लाह की बारगाह वस्सा आते और कसीर मालो दौलत वाली हस्तियां अल्लाह तआला की तरफों। इतों देखो उलुल फजल का लफ्ज अजकल लोग बड़िया गल्लां करदे ने, अल्लाह पाक का कलाम मजीद है कुरान मजीद फुरकाने हमीद है, उलुल फजल का लफ्ज अल्लाह पाक ने नाजिल फरमाए हजरत सैयदना अमीरुल मोमिनीन अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह तुंदी शाने मुकद्दस विच अल्लाह ताला दी बारगाह च ओ फजीलत वाली हस्ती हजरत अमीरुल मोमिनीन अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह तआला उन्होंने अल्लाह ताला सेहत वाली हस्ती यानी कुशादगी वाली कि अल्लाह ताला ने बेपनाह मालो दौलत दे नाल आपनू नवाजे, तो फरमाया जिन्होंने अल्लाह ने इतनी फजीलत अता फरमाई इतना मालो दौलत रिज़्क़े हलाल अता फरमाया वो ला या तली इस चीज़ की कसम ना उठावन कि आज तो बाद गुराबा मसाक नहीं। फरमाया प्यारे अबू बकर तुहाड़ा मकाम इतना अजमत वाला है कि ठीक है उस बंदे को खता हो गई है लेकिन तुसा कसम का कफारा दो, और जिमें पहले उस बंदे की माली तौर पर मुआमनत कर दो हूँ भी उस बंदे की मुआमनत जारी फरमाओ और उस तरीके उन्होंने उत्ते शफकत फरमाओ। अल्लाह या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हक चार यार यार हजरत सैयदना जाफर तैयार रदी अल्लाह तआला अन्हु आप शहीद फी सबीलिल्लाह हिन पे, और कुरान फरमाता है कि जड़ा अल्लाह तआला दे रास्ते दी कत्ल हो वञे ला तकुलू उसनु मुर्दा नहीं आखना, नाल अगू मुबारक अल्फाज इन कुरान पाक दे बल अहयाउन बल्कि वह जिंदा है, तो बावजूद है कि उन्होंने जिंदा फरमाया जा रहा है लेकिन उन्होंने कतल न तस्लीम किया जा रहा है। महबूब करीम अलैहि सलाम की जाते बबरकात ने बकायदा उन्होंने विरासत के अहकाम भी जारी फरमा छोड़े, उन्होंने बेवा हजरत सैयदा असमा बिनते उमैस रदी अल्लाह तआला दा 4 महीने 10 दिन इद्दत गुजारन तो बाद उन्होंने निकाह भी हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह तआला करवा छोड़ा, और इना हजरत असमा और हजरत अबू बकर सिद्दीक दे साहिबजादे इना हजरत असमा चू हजरत मुहम्मद बिन अबी बकर रदी अल्लाह तुमा पैदा हो रहे हैं। नतीजा यह है कि शरीयत मुबारक अल्लाह तआला दे रास्ते विच मैदान जिहाद जड़ी हस्तियां जामे शहादत नोश फरमाए दिन अल्लाह पाक भी उन्होंने मई युक तालू फी सबीला कतल का लफ्ज इस्तेमाल फरमा रहे, महबूबे करीम अलैहिस्सलाम भी इस दुनिया तू चले वञण दे आकाम जारी फरमाए दिन, शहीद अगर मालो दौलत का मालिक है उदा तरका तकसीम करने का शरीयत मुबारक हुक्म है, अगर वह शादी शुदा और मैरिड है अगर चाहे तो उसकी बीवी 4 महीने 10 दिन इद्दत गुजार के अगर निकाह कर सकती है, बिल्कुल अमली तौर पर ऐसा होया। मैं हजरत जाफर रदी अल्लाह तुंदे जोजे मुतरमा की मिसाल थोड़ी खिदमत पेश की है, हूँ किसी के जहन ही चाहे कि जनाब ठीक है चूंकि अल्लाह पाक ने मना फरमा छोड़ा लिहाजा वह कतल तो हो गया, अल्लाह पाक के रास्ते शहीद जड़ा है उसकी विरासत भी तो अल्लाह और महबूब ने तकसीम करने का हुक्म दे दिता है, वत उसकी बेवा भी तो 4 महीने 1.5 हड़े इद्दत गुजार के अगों अगर चाहे तो हकामे शरीय के मुताबिक निकाह करने की इजाजत भी अता कर छोड़िए, बीवी दे अगा निकाह की इजाजत है इद्दत ता उद्दते फर्ज होइए 4 महीने 10 दिन तरका और विरासत ता तकसीम होइए, ये अल्लाह पाक ने शहीद दा इस दुनिया तू चले वलना बिल्कुल वाजे फरमा छोड़ा है। तो जिस वक्त उन्होंने जनाजा भी पढ़ाया गया उन्होंने कबर मुबारक के ए जी शहीद फी सबीला की कबर है उत्ते कौमी परचम भी ला दिता वैंता है, अज भी इया तरीका है, महबूबे करीम अलैहिस्सलाम ने भी कई शोहदा जोड़े अलंबरदार होया करते हैं उन्होंने झंडे उन्होंने कबर शरीफ के उत्ते महबूब अलैहिस्सलाम कायम करने का हुक्म अज भी पाकिस्तान ही तरीका है,
जितने भी साढ़े शहादान उन्होंने कब्र शरीफ के सराहने कौमी परचम साढ़े प्यारे वतन पाकिस्तान का परचम हमेशा वास्ते लहरा रहा होता है कब्रिस्तान तो गुजारिश है ये सारी चीज़ा ता हुई जो उन्होंने इस दुनिया तो चले वजन कबूल कर लिया गया लिहाजा कै मुसलमान के जहन चाहे कि चूंकि सारे हकायक हैं शरीयत उन्होंने इस दुनिया तो वर्णा कबूल कर लिए उड्डू अल्लाह तला फरमाता है ला तकोलू कि जरा अल्लाह के रास्ते कतल उन्होंने मुर्दा ना आखो लिहाजा ठीक है जुबान नाल तो निसे आ दे लेकिन दिल भी तो आंदा है ना जी कि वह शहीद कर दिते गए कतल हो गए। देखो अल्लाह पाक ने फरमाया कि जिमें जुबान दे नाल शहीद नू मुर्दा नहीं आखना इन्हें जहन च ही नहीं समझना कि वह मुर्दा इन पे सुनाची अल्लाह पाक ने दूसरे मकाम दुते आए थे भैया नाजिल फरमाई फरमाया ला तहसबन्नल्लज़ीना कुतिलू फी सबीलिल्लाह अमवाता बल अहयाउन इंदा रब्बिहिम युरज़कून ला तहसबन्ना हरगिज कदे गुमान ही ना कराए तुहाडे ख्याल च ही नहीं आना चाहिए फेल नहीं मुअक्कद बनूने ताकि सकीला हरगिज हरगिज फरमाया कदे ख्याल ही ना कराए कि जेडे लोग अल्लाह के रास्ते कतल कर दिते गए मुर्दा हैं नहीं बल अहयाउन बल्कि वह जिंदा हैं इंदा रब्बिहिम युरज़कून और रब ताला दी बारगाह चू मुसलसल उन्होंने रिज़्क भी अता फरमाया वेंदा है। हुण कुरान ने ला तकूलू भी फरमाया कि जेडे अल्लाह के रास्ते दे कतल कर दिते गए उन्होंने मुर्दा अखाए भी नहीं जुबान नाल दूसरे मकाम ते ला तहसबन्नल्लज़ीना कुतिलू फी सबीलिल्लाह अमवाता जेडे अल्लाह के रास्ते कतल कर दिते गए उन्होंने मुर्दा गुमान ही न कराए तुहाडे वहम गुमान और ख्याल तुहाडी सोच ही कदे इस पासे नहीं बननी चाहिए कि वह मुर्दा नहीं बल अहयाउन बल्कि वह जिंदा इन पे। मेरे दोस्तों शहादा दी शहादत मुकद्दसा तो बाद अल्लाह के रास्ते की कतल हो वजन तो बाद नमाज जनाजा भी पढ़ाया गया कबर मुबारक भी उन्होंने तैयार हुई तदफीन भी उन्होंने जिसमे मुकद्दस की कर दी गई लेकिन अल्लाह पाक ने फरमाया ना उन्होंने मुर्दा आखना है ना उन्होंने मुर्दा ख्याल करना है दोनों मकाम से फरमाया बल अहयाउन बल्कि वह जिंदा हैं। तो जेड़ा बंदा शहीद फी सबीलल्लाह की शहादत तो बाद हाँ जी जिंदगी ना मने ना वो कदे भी मोमिन और मुसलमान नहीं रह सकता क्योंकि कुरान पाक की नसूस कतईया मौजूद है। शहीद का कत्ल मनन तो बाद उसनू हमेशा जिंदा मनना यह जरूरियात दीन शामिल है पिया जड़ा बंदा इस चीज़ का इनकार करे वह मोमिन और मुसलमान नहीं रह सकता। ठीक है जी हुण ये शहीदां दे कत्ल हो वजन तो बाद भी जिंदगी दे मुतल्लिक नस मौजूद है नस की तारीफ ही आती है मासीकल कलाम उले अजल ही कि कलाम करन वाला जेड़े मकसद नू जहन च रख के कलाम चलावे और उदे कलाम और अल्फाज एन उस मकसद के मुताबिक आवेन तो इसनों आखा वेंदा है कि इस मामले च नस है। शहीदां दी कतल हो वजन के बावजूद भी जिंदगी बाद दे विच वो इबारत उन्नस तो साबित हो रही है दलालत उन्नस क्या होंगे कि हमेशा अदनात आला की तरफ इस्तेदलाल होया करता है लिहाजा नतीजा यह है कि अगर शहीद जिंदा है तो जड़ी हस्तियां का दर्जा शहीद तो भी बुलंद है वह बदरजा औला जिंदा इन विसाल तो बाद हजरात अंबियाए किराम अलैहिस्सलाम की निस्बत की वजह तो इन्हानू एक करम फरमाया जा रहा है अल्लाह पाक की तरफों। मेरे दोस्तों इस वास्ते चूंकि जेड़े हजरात फाजिल इन पे किताबो सुन्नत का इलम रखते हैं बकायदा उन्होंने उसूल दियाँ किताबा पढ़ी हुई हैं उसूल शाशी पढ़ी हुई है दरस निज़ामी निसाब या नूरुल अनवार पढ़ी हुई है या उन्होंने अल हुसामी पढ़ी हुई है या तौज़ी तलवी या दीगर खारिजा निसाब किताबा तो उन्होंने बिल्कुल वाजे है कि जितने मसाइल बतौरे नस आते हैं किताबो सुन्नत इबारत उन्नस तो भी आकाम साबित होते हैं दलालत उन्नस के जरिए भी आकाम साबित होते हैं इक्तदा उन्नस के नाल भी आकाम साबित होते हैं इशारत उन्नस के नाल भी आकाम तो इबारत के जरिए दलालत के जरिए इक्तदा के जरिए इशारत के जरिए और दलालत उन्नस हमेशा अदनात आला की तरफ इस्तदलाल करता है। नतीजा यह है कि शहादा की जिंदगी कत्ल वजन तो बाद ये इबारत उन्नस तो साबित है और अंबियाए किराम अलैहिस्सलाम शुहदाए किराम तो करोड़ हा दर्जा ज्यादा अजमत और फजीलत वाली बारगावन लिहाजा अंबिया दा विसाले अकदस तो बाद अपनी मुबारक कब्र अनवर दे विच और आलम बरज़ख दे जिंदा होना वह दलालत उन्नस तो साबित हो रहा है और अहकाम और मसाइल जिमें इबारत उन्नस तो साबित होते हैं उन्हें ही दलालत उन्नस तो साबित होते हैं लिहाजा जिसले दलालत कुरआनी इस चीज़ उत्ते मौजूद है तो नतीजा निकला कि अल्लाह पाक का प्यारा कुरआन फरमा रहे दलालत दे रही है
कि जितने भी अंबिया इकराम अलैहि सलातु सलाम दा विसाल हो चुका है और वह अंबिया इकराम जिन्हों का विसाल कुर्बे क्यामत चो सी जिवें सैयदना ईसा अलैहि सलाम, हर नबी अलैहि सलाम कुरान फरमांदा है अपने विसाल एक दस्तु बाद बाकायदा तौर पर हकीकी जिंदगी दे नाल जिंदा और जलवागर होया करदे ने। चुनाचे साढ़े प्यारे आके करीम लहसन की जाते बबरकात ने अपने इरशादे ग्रामी के जरिए इस मसले को बिल्कुल वाजे फरमाया। इमामुल मुहद्दिसीन इमाम अबू बकर अहमद बिन हुसैन मुहद्दिस बेहकी जड़े 458 हिजरी विसाल फरमा रहे, आप दी पूरी किताब इस मौजूद उत्ते किताबो हयातिल अंबिया, उस विच सही सनद दे नाल इस हदीस की आप तखरीज फरमा रहे। इस वक्त जड़े आलम अरब के सब तो वड्डे मुमताज मुहद्दिस गुजरे अल्लामा नासिरुद्दीन अलबानी, चंद साल पहले वफात पा गए, मिस्र विच भी वह पढ़ाते रहन, मक्का मुकरमा जामिया उम्मुल कुरा विच भी वह शोबे हदीस के हेड और इंचार्ज रहन, मदीना यूनिवर्सिटी विच भी शोबे हदीस के उस्ताद रहन। 11 जिल्दों में उन्हां दी एक किताब मेरे को मौजूद है, सिलसिलातुल अहदीस सहीया, दईफुन नसाई, सही है मिशकात, मुतअद्दद उन्हां दीआं किताबां मैं फकीर दे कोल मौजूद हैं। सिलसिलातुल अहदीस सहीया दे विच वह भी तमाम इस हदीस दियाँ असनाद पेश करके इया फैसला जारी कर रहे हैं कि इस हदीसे पाक बिल्कुल सही हदीसे पाक है और बरहक साढ़े आके करीम रसूल दा फरमाने ग्रामी बिल्कुल मौजूद है कि हजरत सैयदना अनस इबन मालिक अंसारी रजी अल्लाह तआला अन्हु रिवायत फरमा रहे हैं। साढ़े प्यारे आके करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अल अंबियाउ अहयाउन फी कुबूरिहिम युसल्लून, अंबियाए किराम अलैहिस्सलाम विसाले दस्तु बाद अपनी मुबारक मजारात और मुबारक कब्रां दे जिंदा होया करदन, युसल्लून नमाज़ां भी अदा फरमांदन। जिस तरीके साढ़े प्यारे आके करीम अलैहिस्सलातु सलाम ने अंबियाए किराम दे मुतलक अपनी जुबान अकदस नाल इरशाद फरमाया कि अंबियाए किराम अलैहिस्सलाम दा विसाल अकदस फरमावना बिल्कुल बरहक है, लेकिन जिवें ही उन्होंने उत्ते दरूदो सलाम के नजराने पेश करके गुसलो कफन तो बाद कब्रे अनवर विच उन्होंने मुबारक जिस्मां नूं जलवा गर फरमाया वेंदा है और जिवें ही कबर शरीफ उन्होंने उत्ते बंद की वेंदी है, अल अंबियाउ अहयाउन फी कुबूरिहिम, अंबियाए किराम अलैहिस्सलाम दोबारा हकीकी जिस्मानी हयात तैयबा नाल अपने मजारे मुकद्दस जिंदा होदन, युसल्लून और नमाजा अदा फरमादन। जिवें फरमान मौजूद है अमली तौर पर महबूब करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि असा खुद अपनी मुबारक अखा दे नाल डिठा है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कब्र शरीफ दी जिंदा भी हैं और बकायदा हालत क्याम विच नमाज भी अदा फरमा रहे। चुनाचे सही मुस्लिम शरीफ दी दूसरी जिल्द सवा 267 किताबुल अंबिया बाबो जिक्र मूसा बिन इमरान अलैहिस्सलाम हज़रत सैयदना अनस तो ही मरवी हदीसे सही है और आप देख सो उत्थे मुस्लिम शरीफ दी दूसरी जिल्द के तीन सही सनदा दे नाल इमाम मुस्लिम अलैहि रहमत ने हदीसे मुबारका पेश फरमाई है। क्या के करीम अलैहिस्सलाम फरमा दें, लैलतन उसरिया भी जिस रात सानू सैर करवाई गई है शबे मेराज, मरर तो बेकबरे मूसा, सारा गुजर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम दी कबरे मुनव्वर तो होया, रई तो हु का इमई युसली फी कबरे ही इंदल कसीबिल अहमरे, फरमाया बैतुल मकदस तू इतने फासले दुते सुरख रंग दी रेत दा एक टीला और टिब्बा है और उसके दामन विच हजरत सैयदना मूसा बिन इमरान अलैहिस्सलातु सलाम दी कबरे मुबारक है, रई तो हु असा खुद डिठे का इमई युसली फी कबरे ही, वह अपनी कबरे मुनव्वर विच हालत क्याम विच और बकायदा नमाज अदा फरमा रहे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम दा विसाल एक दस कडन हुए है, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम दे दरमियान और हज़रत सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम दे दरमियान 2000 साल दा फासला है। अमूमन चूंकि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ईसा अलैहिस्सलाम दा जिक्र मुबारक इकट्ठे आंदा है, लिहाजा कई हज़रात समझते हैं कि शायद हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और ईसा अलैहिस्सलाम हिक्के दौर मुबारक दे चन या यके बाद दीगरन के पहले मूसा अलैहिस्सलाम और फौरन बाद ही ईसा अलैहिस्सलाम, हरगिज़ ऐसा नहीं। मूसा अलैहिस्सलाम और ईसा अलैहिस्सलाम दे दरमियान किताबों के मुताबिक 2000 साल का फासला मौजूद है। कुरान पाक दे विच अल्लाह पाक दे इरशादे ग्रामी मौजूद है, वलकद आतैना मूसल किताबा व कफ़ैना मिन बादिही बिर्रुसुल व आतैना ईसा इब्न मरियम अल बय्यिनात, फरमाया वलकद आतैना मूसल किताबा, यकीनी तौर पर असा मूसा अलैहिस्सलाम नू अल किताब यानी तौरात मुकद्दस अता फरमाई। अगे फरमाया व कफ़ैना मिन बादिही बिर्रुसुल, और मूसा अलैहिस्सलाम दे विसाले एक दस्तु बाद बनी इसराइल दे विच असा मुसलसल रसूला निज़ाम भेजेंदे रहे व आतैना ईसा इब्न मरियम अल बय्यिनात, और मूसा अलैहिस्सलाम तो बाद मुसलसल रसूला निज़ाम भेजन तो बाद वत असा
बनी इसराइल सब तो आखिर ते ईसा बिन मरियम अलैहिस्सलाम नू रोशन निशानियां दे के भेजा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और ईसा अलैहिस्सलाम दे दरमियान कफ़ैना मिन बादही बिर्रुसुल मुसलसल कितने रसूला ने निज़ाम आए। आप इस आयत की तफसीर पढ़ो, कितने आइमाए दीन की तहकीक है और उलमाए बनी इसराइल दी भी कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और ईसा अलैहिस्सलाम दे दरमियान कम अज कम 600 अंबिया और रसूल अलैहिस्सलाम तशरीफ लेके आए। 600 रसूला ने निज़ाम और अंबिया इकराम अलैहिस्सलाम मूसा अलैहिस्सलाम और ईसा अलैहिस्सलाम दे दरमियान। इस वक्त किताबों से चीज़ वाज़े तौर पर है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और ईसा अलैहिस्सलाम के दरमियान 2000 साल का फासला है। साढ़े प्यारे महबूब करीम अलैहिस्सलाम की विलादत मुकद्दस है 22 अप्रैल 12 रबीउल अव्वल शरीफ सोमवार की सुबह सन 570 ईस्वी और सने ईस्वी का आगाज है। सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम जिसने फिलस्तीन के इलाके बैतुल लहम बैतुल मकदस तो जरा फासले उत्ते हज़रत सैयदा मरियम अजरा सलामुल्लाह ताला अलैहा अल्लाह के हुक्म उत्ते तशरीफ ले गई। उत्ते खजूर के एक दरख्त के थले हज़रत सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत मुकद्दस हुई। हज़रत सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत मुकद्दस तो सने ईस्वी का आगाज है। बाद आप मुहब्बत करने वाले ने तकवीम जी है तरतीब दी है। तो हज़रत सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत मुबारक और साढ़े प्यारे आके करीम अलैहिस्सलाम की विलादत मुबारक 570 साल का फासला है और साढ़े प्यारे महबूब अलैहिस्सलाम ने 40 साल उम्र मुबारक मुकम्मल होवन ते ऐलान नबूवत फरमाया 610 सने ईस्वी। ठीक है जी, हुण साढ़े प्यारे महबूब करीम अलैहिस्सलाम का मेराज कदण है। ऐलान नबूवत के 12वें साल हिजरत तो 1 साल पहले 27 रजब में मशहूर तरीन रिवायात के मुताबिक लिहाजा 610 सने ईस्वी ऐलान नबूवत और 12वें साल महबूब करीम अलैहिस्सलाम का मेराज मुबारक तो 622 सने ईस्वी बनता है या 621 सने ईस्वी जिसने साढ़े महबूब अलैहिस्सलाम मेराज शरीफ का सफर फरमा रहे। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत और महबूब अलैहिस्सलाम के मेराज शरीफ 621 साल इन पे या 622 साल और ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत और मूसा अलैहिस्सलाम के विसाल एक दस 2000 साल इन पे लिहाजा मूसा अलैहिस्सलाम के विसाल और महबूब अलैहिस्सलाम की मेराज शरीफ इंसानी तहकीक और अंदाजे के मुताबिक 2621 साल इन तो मेराज शरीफ तू जड़ी हस्ती 2621 साल पहले भी साल फरमा चुके हैं। महबूब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं मरर तो बे कब्रे मूसा रई तो हु कायम युसल्ली फी कब्रे ही इंदल कसीब अल अहमरे वो 2621 साल पहले हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का विसाल है लेकिन वो 2621 साल बाद भी अपनी कब्रे अनवर बिल्कुल जिंदन जिसमानी तौर पर हालत क्याम युसल्ली नमाज भी अदा फरमा रहे हैं। मेरे दोस्तों सारे प्यारे महबूब करीम अलैह तहियात व तस्लीम दी प्यारी ज़ात बबरकात इससे वस्ते आप देख सो कि हज़रत उम्मुल मोमिनीन हुजूर सैयदा आयशा तो सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला दी हदीस से ही कितनी किताबों मौजूद है। मुसनद अहमद होवे मिशकात शरीफ होवे दलाइलुन नबूवत इमाम बैहकी होवे हाँ जी बड़ी बड़ी अजीम किताबें सही असनाद दे नाल कि हज़रत सैयदा उम्मुल मोमिनीन आयशा तो सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा इरशाद फरमाईंदी हैं फलम्मा तूफिया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जिसने साढ़े प्यारे महबूब करीम अलैहिस्सलाम का विसाले अकदस हो गया फरमाया चुके आप का विसाले अकदस भी मेरी गोद मुबारक दी चोए मेरे हुजरे मुकद्दसा दी चोए और महबूब अलैहिस्सलाम का फरमान आई कि अंबिया इकराम अलैहिस्सलाम के मुतल्लिक उसूल है जड़ी जगह उत्ते उनका विसाल होवे ऐन उस जगह उत्ते उनका मजार मुकद्दस और कब्र मुनव्वर तैयार होंगी है। लिहाजा मेरे हुजरे मुबारक महबूब अलैहिस्सलाम की तदफीन मुकद्दस हुई। फरमायवत मैं बैठ के शरी मसले उत्ते गौर किया कि मैं जो महबूब करीम अलैहिस्सलाम के रोज़े अनवर जिहड़ा कि मेरा ही हुजरा मुकद्दस है और मेरी होर कोई रिहायश गाह भी नहीं मैं इथा ही इथा रमना है तो मेरे वास्ते क्या आकाम हुसन। तो फरमाया कुल तो इन्ना मा हुवा जौजी कि महबूब करीम अलैहिस्सलाम जिते मेरे आका और मौलान उत्ते मेरे जौजे मुकरम और मेरे शोहर नामदार भी तहिन अलैहिस्सलाम और शोहर के कोलों कोई पर्दा नहीं होया करता लिहाजा मैं जिस तरीके अपने घर के रूटीन के कपड़ों के रहायश पजीर हम मैं रौदे मुकद्दस भी उस तरीके बहनी हाँ रात में मैं उत्थे कब्रे अनवर थोड़ी देर आराम भी कर गिनती हाँ बाकी मैं अपने सारे काम कार मामलात। फरमाया फलम्मा दोफेना अभी वत सवा 2 साल और कुछ दिन बाद मेरे अब्बा जान हज़रत अमीरुल मोमिनीन सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला विसाल एकदस हो गया। आप दी तदफीन मुकद्दस अभी मेरे हुजरे मुबारक हुई रोदे मुबारक वत मैं मसले उत्ते गौर किया फकुल तो इन्ना मा हुवा जौजी व अभी
मैं आका एक हस्ती तो मेरे आके करीम अलैहि सलाम मेरे शोहर नामदार इन अलैहि सलातु सलाम, दूसरी हस्ती मेरे अब्बा जान इन हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह तरह, ना शोहर को पर्दा होया करता है ना वालिद गिरामी को पर्दा होया करता है, लिहाजा मैं अपने मामलात उसी तरीके चलेंदी रही। फरमाया फलम्मा दोफेना उमर व मजीद 10 साल गुजरे तो यकम मुहर्रम सन 24 हिजरी जिसने हजरत सैयदना अमीरुल मोमिनीन उमर फारूक आजम रदी अल्लाह तों दी शहादत हुई और नमाज जनाजा तो बाद आप दी तदफीन भी मेरे ही हुजरा मुकद्दस विच महबूब करीम अलैहिस्सलाम हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह तों दे नाल आप दे कदमां दी तरफ जिसले आप दी तदफीन हुई वत में बैठ के शरीयत मुबारका दे हुक्म ते गौर कीता तो आप मुजतहिदाए मुतलका हस्ती हैं। आप दा मकाम मकामे इज्तिहादे मुतलक इल्मी तौर ते हजरत उम्मुल मोमिनीन फरमांदियां वत में शरई तौर ते गौर करके इस नतीजे उत्ते पहुंची एक हस्ती तो मेरे आके करीम अलैहिस्सलाम मेरे शोहर मुकर्रम अलैहिस्सलाम, दूसरी हस्ती मेरे अब्बा जान, उन्ना दो हस्तियां कोल तो पर्दा नहीं लेकिन हजरत अमीरुल मोमिनीन उमर रदी अल्लाह तों मेरे वास्ते अजनबी हैं पे उन्ना कोल तो मैंने पर्दे का हुक्म है, लिहाजा मैं वत रोज़े मुनव्वरा भी जरूर वेंदी हम लेकिन व अना मशदूदा तुन अलिया से आबी हया अमिन उमरा वत में बकायदा पर्दा कर दी हम अपनी चादर अपना लिबास मुकम्मल तौर पर संभाल के। हाँ जी जो एक शरई पर्दा होया करता है मैं महबूबे करीम लै समे रोज़े मुबारक वत तशरीफ लै वेंदी हम हाजरी दाब की बरगाह शर्फ हासिल कर दी हम लेकिन अना मशदूदा तुन अलिया से आबी मैं अपने लिबास नू मुकम्मल तौर पर दुरुस्त करके बापरदा करके किस वजह तू हया अमिन उमरा हजरत उमर रदी अल्लाह तुंदे हया की वजह तू। अगर इन्ना हस्तियां दा हयाते बरजखी दे मुतल्लिक कोई एतकाद ही न होवे तो महबूब दे विसाले एक दस्तों बाद इस चीज़ से गौर क्यों करें ना क्यों फरमाने इन्ना मा हुआ जोजी आप मेरे शोहर नामदार शोहर दे कोलों कोई पर्दा नहीं होया करता वो हस्तियां तो विसाले एक दस फरमा गई आलम बरजख आलम कबर ही जलवा गर हो चुकी हैं। अगर उन्होंने कोई हयात तैयबा उत्ते हासिल नहीं किसी किस्म का कोई ऐसा मामला नहीं है पिया वो आवन वाले देख कोई नहीं रहे। हाँ जी उन्होंने निगाह इन्ना हस्तियों उत्ते ऐन कबर के विचू आलम दुनिया च इन्होंने वाकई नहीं हो रही तो परदे के अहकाम की जरूरत क्या है और कोई आम हस्ती है मुजतहद मुतलका हस्ती है हजरत मुलमोमिनीन रदी अल्लाह तआला और आप फरमा दी कि सब हस्तियां विसाले एक दसबा जिंदा हैं आलम कबर आलम बरज़ख दी जलवा गर हैं और उन्हों का राबता भी आलम दुनिया के नाल मौजूद है। असा जिस वक्त भी उन्होंने कबर शरीफ उत्ते हाजरी दूँ उन्होंने मुशाहदे भी आता है इलम भी आता है लिहाजा जिस तरीके जिंदगी दे विच हजरत उमर तो परदा फरमा दी आपकी शहादत तो बाद भी इस तरीके उन्होंने कोल परदा फरमा रही। मुहतरम हजरात साढ़े जी जी गुजारिश यह है कि अगर तो वो कबर है अपने ही वालिद साहिब दी अपने शोहर दी वो अल्लाह ताला दे ऐसे मकबूल महबूब हस्तियन पे किसी किस्म का कोई फितने का एहतमाल नहीं तो अपने भाई दी कबर होवे वो अल्लाह ताला दा वली होवे फैज देवन वाली हस्ती होवे दुआवां दी कबूलियत उत्ते होंदी होवे इस तरीके वालिद ग्रामी अल्लाह ताला दी बारगाह च उस मकामे कबूलियत दुत्ते शोहर इस मकामे कबूलियत दुते इन्ना चीज़ों की तो इजाजत है मौजूद रात का रमना भी डीह का रमना भी उदा सबब यह है कि सही बुखारी शरीफ की पहली जिल किताबुल जनाइज दे विच हदीसे सही मौजूद है कि हज़रत सैयदना इमाम हसन मुजतबा अमीरुल मोमिनीन साढ़े 5वें बरहक अमीरुल मोमिनीन खलीफा राशिद रदी अल्लाह तों आप दे 12 प्यारे फरजंद हैं 5 आप दे प्यारे फरजंद मैदान करबला जामे शहादत नोश फरमा रहे हैं। सब तो वड्डे आप दे फरजंद हैं सैयदना हसन बिन हसन इमाम हसन रदी अल्लाह तों दे 12 फरजंदा चू सब तो वड्डे प्यारे फरजंदा इसमें ग्रामी भी हसन है उन्होंने हसन मुसन्ना आखा वेंदा है। हजरत सैयदना हसन मुसन्ना हसन बिन अली बिन अबी तालिब रदी अल्लाह तों आप दे निकाह विच हजूर सैयदना इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रदी अल्लाह तों दी दो मुबारक साहिबजादियां चू वड्डी साहिबजादी साहिबान हजरत सैयदा फातिमा बिनते हुसैन अल कुबरा सैयदा फातिमा बिनते हुसैन अस सुगरा ओ सैयदा सुकैना हैं जिन्होंने साढ़े इलाके सैयदा सकीना रदी अल्लाह तआला दे लकब तो मशहूर कर दिता गया लफ्ज़ सकीना नहीं फोएला दे वजन ते तस्गीर दा सीगा है
سیدنا امام علی مقام نو انہاں دے کول راحت سکینت اتنی اور دلی اطمینان اتنا حاصل ہوندا کہ آپ نے سکینا دا انہاں نو لقب عطا فرمایا ہوئی تو حضور سیدہ سکینا رضی اللہ تعالیٰ وہ چھوٹی صاحبزادی صاحبن میدان کربلا چو نالن حضرت سیدہ فاطمہ بنت حسین الکبرا وہ شادی شدہ ہن اپنے چچازاد بھائی سیدنا یعنی اپنے چچازاد سیدنا حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ دے عقد اور نکاح دے وچ حضرت سیدنا حسن مسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا جس وقت وصال اقدس ہویا تو آپ دی زوجہ محترمہ حضرت سیدہ فاطمہ بنت حسین الکبرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس لئے انہوں نے تدفین ہو گئی آپ نے بنی حاشم نو جمع فرمایا جڑیاں اس وقت ہستیاں موجود ہیں اور آپ نے فرمایا کہ حضرت حسن دنال یعنی اپنے شوہر نامدار دنال ساڑی دلی وابستگی ایسی ہے کہ ایک سیکنڈ بھی آپ دے وصال اقدس تو بعد سانو چین اور قرار نہیں عطا ہو رہا لہذا اگر اسا مدینہ طیبہ تے اپنے گھر دے وچ راسوں تو بالکل زندہ نہ رہ سکسوں ساڑے کول پتہ نہیں کیا معاملات سرزد ہوئے سن لہذا میرے شوہر نامدار دی قبر انور دے عین اتے خیمہ لاؤ با پردہ انتظام کرو اسا اتے روزے دی حالت وچ رہیاں کرسوں صبح بھی ساڑی سحری پہنچاؤ شام بھی ساڑی افطاری دا سامان پہنچاؤ اور ایک دو جوان متعین کرو جب تک ساڑے دل نو اضطراب دی کیفیت ختم ہو کے راحت اور سکون نہ ہوئے سی اس وقت تک اسا اتھائی قیام کر سو آپ دیکھتے ہو کہ اس دور چھ مدینہ طیبہ کتنی بڑی بڑی علمی ہستیاں تابعین کرام دی چون چلوا گرن اہل بیت اطہار دی کتنی بڑی بڑی ہستیاں موجود ہیں حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ عنہ جیسی کریم ہستیاں چلوا گرن لیکن کسے ہستی نے بھی منع نہیں فرمایا انہاں دی خدمت اچ آ کے یہ نہیں گزارش کی تھی کہ حضور آپ کرم فرماؤ ہاں جی آپ ساری ہمشیرہ محترمہ اور اے معاملہ جڑا ہے آپ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ دی وڈی صاحب زادی صاحب آؤ اور کس طریقے آپ جنت البقیع شریف شہر تو ہک پاسے ہو کے قبرستان دوی تشریف فرماؤ سو نہیں سب نے آکھا کہ آپ واسطے انتظام کی لہذا سارے بنی حاشم نے انتظام کیتا تمام اہل مدینہ دے وچ اس چیز دا اعلان ہو گیا پتہ ہی کہ حضور امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ دی وڈی صاحبزادی صاحبہ آپ اس جگہ تے لہذا ہر کوئی اس چیز دا خیال کردہ یہ احتیاط آپ واسطے مکمل طور تے جناب کورڈ اہتمام کر دیتا گیا خیمہ اتے نصب کیتا گیا رات دن بخاری شریف پہلی جلد کتاب الجنائز اٹھے سو ٹھیک ایک سال تک 355 دن اور 355 راتاں این جس سے حضرت امام حسن مسنہ رضی اللہ عنہ دے وصال والا دن سال تو بعد آیا آپ نے فرمایا ہن ساڑے دل نو راحت اور اطمینان ہو گئی اللہ نے نور عطا فرما دیتا ہے لہٰذا ہن ساڑی طبیعت ٹھہراؤ ہن سانو گھر لے چلو آپ کامل ایک سال تک تو وہ ہستیاں تا علم دچ یکتائے روزگار ہستیاں وت مدینہ ہی تا علم و سیرت سنت سارے انوار دا مرکز ہے اس وقت لیکن انہاں واسطے خیمہ نصب کیتا گیا اس واسطے بھائی مسئلہ شرعی واضح ہوندا ہے کہ اگر وفات پامن والی ہستی ایسی بافیض ہستی ہے اور نال تہاڈا حرمت والا رشتہ اور تعلق موجود ہے باقاعدہ مرد حضرات موجود راسن اس مائی صاحبہ دی حفاظت دے انتظام کرسن کسے فتنے وغیرہ دا کوئی احتمال نہیں تو اگر کوئی اس طرح دا معاملہ ہو ونے کسے مائی صاحبہ نے منازل سلوک طے کرنی ہیں پیرو مرشد کامل ہیں نال انہاں دا شوہر ونے بھائی ونے بیٹے ونے اتے حفاظت ہو ایک رات دو راتاں دو چار دن اور کسے قسم دے فتنے دا کوئی مکمل انتظامات تو جڑی چیز دی کوئی روح رعایت نرمی رستہ ملتا ہوئے تو اساں تو شریعت دے مطابق چلنا ہے ہاں جنہاں دی کوئی رشتہ داری اور اس طرح دا معاملہ نہ ہوئے جویں اج کل ساڈی خواتین دا طریقہ جی فلانا کم ہو پوے اسا جی نو رات بھائی منت جڑن بھی منیندی ہوندی ہے وہ امر شرعی دی منت عبادت مقصودہ دی منت ہویا کردی ہے حضرت سیدہ فاطمہ بنت حسین الکبرا سلام اللہ تعالی علیہا و رضی اللہ تعالی عنہا آپ دی کوئی منت وغیرہ نہیں آپ دے دلی احوال اور معاملات ایسے ہیں لیکن ٹھیک ایک پردے دے حکام خاتون لہذا ٹھیک ہو گیا منت جڑن بھی منسو نا جی نظر جڑن بھی منسو وہ عبادت مقصودہ دی منت ہو سی اللہ پاک ساڑا فلانا کم ہو پوے اتنے سو نفل اساں کیونکہ نماز عبادت مقصود ہے روزہ عبادت مقصود ہے یا اللہ فلانا کم ہو پوے اساں 10 روزے رکھسو لگاتار 3 روزے رکھسو لگاتار
इस तरीके एतिकाफ ए इबादत मकसूदा है। या अल्लाह सानू फलां मुश्किल आसान हो बने, अल्लाह ताला सानू फलां नेमत अता फरमावे, असा करीम अगर तू करम फरमैसे तेरी बारगाह विच इतने दिनों के रोजे रख के नाल दिन रात दा मस्जिद शरीफ विच एतिकाफ भी कर सूँ, मस्जिद उल बैत घर विच कमरे च एतिकाफ खवातीन मन्नत मन सकदियां। इस तरीके जरा नफली हज ये भी इबादत मकसूद है, नफली उमरा ये भी इबादत मकसूद है, लेकिन हर वो काम जरा के इबादत मकसूदा दे दायरे दे नहीं है। वजू है इबादत, बड़ा अजर सवाब है, बड़े अनवार हैं, लेकिन इबादत मकसूदा नहीं। जब तक असा कुरान पाक नू हाथ ना लावना होवे वजू साढ़े उत्ते कोई नहीं फर्ज, जब तक तवाफे काबा ना करना होवे वजू साढ़े उत्ते कोई नहीं वाजिब, जब तक नमाज ना पढ़नी होवे वजू साढ़े उत्ते फर्ज नहीं। वजू बहुत बड़ी इबादत है, लेकिन नमाज की वजह तू है, खाने काबा शरीफ के तवाफ की वजह तू है, कुरान पाक नू छूवन और हथ लावन की वजह तू है। हूँ एक बंदा आके भी वजू बहुत बड़ी इबादत है, लिहाजा मैं अल्लाह तला की बारगाह च मन्नत मन्ना, या अल्लाह मेरी फलानी मुश्किल आसान हो वे, लिहाजा मैं एक हज़ार दफा अपनी टूटी उत्ते बैठ के जनाब वजू करे सा हज़ार बारी, ये कोई इबादत है बोला भाई? ये इबादत गैर मकसूद है, यदि मन्नत हो ही नहीं सकती, पानी जाए करने का उल्टा गुनाह मिला पाया। उसी एक बारी वजू हो गया ठीक है, अपना नमाज पढ़ो, अपना नेकी का काम करो, तो गैर मकसूद इबादत नहीं। इस वक्त भाई शरई मामले अपने घर दीनी तालीम आम करो, उन्होंने पढ़ाओ लिखाओ, उन्होंने यह मसला दिखाओ कि यह कोई नहीं कि जनाब फलानी मजार शरीफ उत्ते बन के असा इतनिया रात जग राते करे सूँ, यह सारा सिलसिला। अगर कोई मनाजिले सलूक तय कि मन्नत तो मन नहीं सकदियाँ, मन्नत तो जड़न भी मनी वैसी इबादत मकसूदा की मन्नत हो सी। अगर कहें एक बारी वो जो नज़र वगैरह के अल्फाज आग छोड़न तो बस एक बारी कर छोड़े, आइंदा सारी जिंदगी जड़न भी मन्नत मनी बनी वे इबादत मकसूदा दी होवे। जी जी जायज जी जी हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, खवातीन नू घरां विच वो घर च बैठ के इसाले सवाब करें, नेक काम करके सवाब पहुँचावन, हाँ जी जितनी नेकी कर सकती हैं, लेकिन एक है उस जगह उत्ते बन के रात गुजारनी और इस तरीके उस मुबारक जिस तरीके ठीक नहीं है पिया। आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा फाजले बरेलवी अलैह रहमत बाकी उलमा कुछ ना कुछ कोई रस्ता थोड़ा बहुत कट दिन और वह भी शर्तां लें दिन कि जनाब मज़ारात औलियाए किराम उत्ते कुछ शर्तन। ये आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा फाजले बरेलवी तो इलावा जड़े बाकी उलमा हैं वो फरमैदन की पहली शर्त है कि औरत दिन के वक्त वैसी मज़ार उत्ते रात के वक्त नहीं वाई सकती, रात में इजाजत है तो सिर्फ मेरे आके करीम अलैहिस्सलाम दे रोज़े मुबारक की हाजिरी की इजाजत है, मदीना तैयबा महबूब अलैहिस्सलाम दे रोज़े मुनव्वरा तो इलावा कोई भी रोज़े मुबारक है मज़ार मुकद्दस है औरत रात में नहीं वाई सकती, औला माफ दीन के वक्त वैसी वत। अगर तय घर के बिल्कुल ही करीब मज़ार शरीफ जिथे कोई रस्ता ज्यादा नहीं तय करना पाता, गैर मर्दा का दरम्यान चावन वन का सिलसिला कोई नहीं, उत्ते तो चलो औरत बा परदा तरीके नाल अकेली वाई सकती है, लेकिन जिथे जरा फासला होवे जब तक वालिद बेटा या भाई या भतीजा भांजा या शौहर इो जहा रिश्ता ना उसी नाल उस वक्त तक भी नहीं वाई सकती, वह बा परदा वैसी वत बन के उत्थे आवाज उच्ची ना करे सी, जेड़े पासे मर्द हो सन उस पासे ना वैसी, खवातीन वास्ते कोई अलग पोर्शन है सैपरेट, उत्थे बापरदा बैठ सी तिलावत कुरान पाक करे फातिहा पढ़े जो जिक्र अज़का करना, सिर्फ इतनी आवाज़ है कि उसके अपने कान सुन दो में नाल अली औरत तोड़ी भी उसकी आवाज़ नहीं बननी चाहिए, रोवना चिल्लावना इो जे मामलात करना बिल्कुल उस वास्ते जायज ना हो सन। तो इन्हां शर्तों के मुताबिक जितनी देर वो हाजिरी दे सी दुआ मंग के इन्हां शर्तों के मुताबिक मगरब तो पहले पहले अपने घर च वापस आवने, अगर ये शर्तां पूरी कर सकती है वरना जायज़ है, इन्हां चों एक शर्त ही कम हो गई औरत गुनाहगार हो सी अगर हो वैसी तो। लेकिन आला हजरत फाजले बरेलवी अलैह रहमत फरमाते हैं दिन नूं भी औरत दा मिलना जायज़ कोई नहीं, कब्रिस्तान वाले पासे ना मज़ार दुते, वो फरमाते हैं बापरदा भी बनना जायज़ कोई नहीं, नाल भावें शोहर होवे बेटा होवे भाई होवे वत भी जायज़ कोई नहीं। आला हजरत इमाम अहमद रज़ा दा पूरा फतवा मौजूद है फतावे रज़िया शरीफ दे किताबुल जनाइज़ दे जुमल नूर फिन नहिये लिन्निसाए अन ज़ियारातिल कुबूर, नूर दे जुमले औरतों नू कबरां दी ज़ियारत तो मना करन दे बारे दे आला हजरत अलैह रहमत सारे दलायल दे के मसला वाजे करके लुबे लुबाब और नतीजा क्या देंदे, वो फरमाते नतीजा ये निकला
कि मेरे को ये ना पूछो कि औरत दा कब्रिस्तान चवड़ना जायज़ या नाजायज, बल्कि ये पूछो कि अगर वह वेंदी है तो वापस आवन तक अल्लाह के फरिश्तियां दियां लानता उदे ते कितनी बस्तियां। आला हजरत इमाम अहमद रजा फाजले बरेलवी अलैहि रहमत दा ए फतवा है। बाकी उलामा दलायल की रोशनी दी कुछ नरमी कर दें, लेकिन नाल शरायत जिक्र कर दें। अगर उन्हें शर्तों का लिहाज रखा बन सकी वे तो डीह के वक्त जायज़, वरना बाकी उलामा भी मना फरमा दें। और ये जागे वगैरह इधर साड़ी किताबों के साड़ी फिकह के किसी किस्म का कोई तसव्वुर नहीं है पिया। ये कुछ इलाकों इस तरह के मामलात हैं पे, इन चीज़ों तू परहेज़ करना और बड़े तरीके नाल हिकमत अमली नाल मसला वाजे करना चाहिए। हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम अपने हर उम्मती पर रहमत फरमाते हैं। ऐसी ही सोच एक मुरीद अपने मुर्शिद के बारे में सोचता है कि वह अपने मुरीद को हर हाल में बाद विसाल के देखते हैं। भाई गुजारिश यह है कि रूह जड़ी है वह तो फानी चीज़ों चू है ही नहीं, रूह तो बाकी चीज़ों की चू है। रूह उत्ते तो कोई मौत नहीं है ना, और जितने भी मकामात हैं तो रूह दिन जिसम के तो है नहीं, चाहे वह सुनने की ताकत है, समझने की सलाहियत है, कलाम करने की ताकत है, फैज हासिल कर पहुँचावन की, क्योंकि असल मुद्रक और फाहिम रूह है। वफात के जरिए रूह तो कोई नहीं खत्म हो जाती, रूह तो नहीं फना हो जाती, वो तो उन्हें मौजूद रहती है। और जितने भी अल्लाह तबारक व तआला दे कामिल बंदे होया करते हैं, बेशक जिसम उन्हों का जिस मकाम उत्ते भी दफन कर दिता गया, मजार शरीफ भी मौजूद है, उन्होंने रूह जिस मकाम से रूह का ताल्लुक बड़ी मजबूती दे नाल अपने जिसम नाल हमेशा कायम होया करता है। चाहे काफिर भी है ना जी, उसकी रूह भावें सिज्जीन दे विच अग दियां जंजीरां दे विच जकड़ दिती गई है, लेकिन उसकी डेड बाडी और जिसम जिस मकाम उत्ते हो सी, बकायदा उस काफिर की रूह का ताल्लुक भी मरण तो बाद अपने जिसम नाल कायम हो सी। और चाहे कबर दा अहले ईमान नू नेमता मिलदियां तो रूह और जिसम इकट्ठे उत्ते उहदे असरात होंदे, और काफिर नू अजाबे कबर होंदा है तो वह भी रूह और जिसम इकट्ठियां उत्ते हो रहा होंदा है। कबर की जिंदगी बिल्कुल बरहक है, रह गए अल्लाह पाक दे ओ बंदे जड़े मकामे जमा और मकामे इत्मीनान ते फायज हैं, तो उन्होंने बारे ही तो कुरान मजीद फुरकाने हमीद विच मसला मौजूद है। या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजई इला रब्बिक राधिया मर्दिया, अगे है फदखुली फी इबादी। वफात तो बाद अल्लाह तआला दे कामिल बंदे की रूह मुतमइन्ना किहड़े बंदियां दे विच जा रही है, वह पहले अल्लाह का बंदा नहीं है पिया। फद खुलीफ इबादी इन्ना इबाद तो मुराद कौन है, तो मुदब्बरी ने अमर बंदे मुराद हैं। या मौजू हो गया तो अव्वल तो लेके आखिर तक किस्से दुते गुफ्तगू करूँगा। आप मेहरबानी करके शावलीउल्लाह मुहद्दिस देलवी साहब की किताब हुज्जतुल्लाह बालगा इब्तदाई मबाहिस पढ़ गिनो। बिल्कुल अल्लाह पाक दे जितने भी कामिल बंदे होया कर दें, विसाल एक दस तो बाद इन्हां दियां मुबारक रूहां मुदब्बरी ने अमर की जमात शामिल होकर इस दुनिया के जाहरी और बातनी निजाम चला रहे होते हैं। कुरान पाक च आखिरी पारे सूरह ज़ारियात की आयत नंबर 5 में फल मुदब्बरात अमरा अल्लाह पाक फरमाते हैं, मैंने फरिश्तों की जमातों की कसम है, उन्ना कामिल मोमिनीन की मुबारक रूहां की जमातों की कसम है, अल मुदब्बरात अमरा जड़े के तदबीरे उमूर कर रहे हैं और मेरी इस दुनिया के निजाम जाहरी और बातनी तौर पर चला रहे हैं। अल्लाह तआला दे मुदब्बरी ने अमर बंदे होंदे या कोई नहीं होंदे। कुरान पाक के 15वें और 16वें पारे जी सूरह काहफ शरीफ है, हज़रत सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम साहिब किताब इन साहिब शरीयत इन कल्लमल्लाह मूसा तकलीमा, अल्लाह तआला बराह रास्त मूसा अलैहिस्सलाम नाल कलाम फरमाते। खजर अलैहिस्सलाम भी अल्लाह के सच्चे नबी अलैहिस्सलाम, लेकिन चूंकि अंबियाए किराम अलैहिस्सलाम बुनियादी तौर पर दो तरह के होंदे, मुबल्लिग नबी गैर मुबल्लिग नबी। उस दौर च मुबल्लिग नबी दावत तो तबलीग करना, लोगों की रहनुमाई करना शरई मामलात, वह हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की जिम्मेदारी है। गैर मुबल्लिग नबी हजरत खजर उन्होंने उत्ते तबलीग फर्ज नहीं, अल्लाह तआला ने तकवीनी उमूर उन्होंने सपुरद किए हो। क्या वह कायनात के निजाम को कोई ना चला रहे? हजरत सैयदना खजर अलैहिस्सलाम की जाते बबरकत वो जरा एक बच्चे जनाब उद गर्दन दबा के मार छोड़ा ने, कश्ती दे सुराख किया ने, एक दीवार जी गिरन के करीब आई उसू तसरुफ करके ठीक किया ने। बाकायदा मुदब्बरी ने अमर बंदे मौजूद हैं जिहड़े इस दुनिया के जाहरी और बातनी निजाम चला रहे हैं। आप देख सो कि मिशकात शरीफ दे कई हवालिया नाले हदीस मौजूद है। आप अहले यमन और अहले शाम के फजाइल दे आप एक देख सो किताबें हदीस पाक मुसनद अहमद विच भी है बहुत सारी। हजूर सैयदना अमीरुल मोमिनीन मौलल मुसलमीन खातमुल खुलाफा इमामुल औलिया सैयदना मौला मुर्तजा शेर खुदा करम अल्लाह तआला वजल करीम की बारगाह जिसले अर्ज किया गया कि हुजूर कई अहले शाम ऐसे और कई ऐसे
जाहिल किस्म के अजड इन्हों के गवर्नर जेड़े जुमे का खुतबा देंदे तो हजूर आप का नामी नामी इसमें ग्रामी लेके माज़ अल्लाह सुम्मा माज़ अल्लाह आप दे सबो शतम कर दें आप दे मुतलक बड़िया मनफी गल्लां कर दें और लानत भी भेज दें तो हजूर सानू भी इजाजत अता करो असा भी जवाबी कार्रवाई करो और इट का जवाब इट नाल और पत्थर का जवाब पत्थर नाल दो असा भी वत इन्हों का ना गिन के इन्हों उत्ते हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तों हरगिज़ ऐसा हुक्म ना कर दे उन्हां दी इख्तलाफ अपनी जगह उत्ते लेकिन उन्होंने कोई ऐसा हुक्म नहीं जारी किया कहीं किताब विच नहीं कि वह इस तरह का हुक्म देंदे होवन ये वह शाह तू ज़्यादा जड़े शाह दे वफादार बन वेंदे न इस तरह के कई अजल कई जाहिल किस्म के लोग वह ज़्यादा जड़ा उन्होंने लश्कर चुके वह शाम के ईसाई मौजूद हैं पे हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला दा सारा ससुराली घराना ईसाइयों के उत्ते बनू किलाब का कबीला ईसाई है यजीद की अम्मी हज़रत मैसून बिनते बहदला कई ओलामा फरमैंदे उन्होंने ईमान कबूल किया कई आदि नहीं जी उन्होंने तो आखिर तक कोई नहीं ईमान कबूल दोनों तरह की रिवायात मौजूद हैं बच चुके अल इस्लाम यालू वला योला अली है असाइया जहन रखते हैं कि उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया मैसून बिनते बहदला ने यजीद की अम्मी ने क्योंकि इस्लाम जड़ा है तो गालिब है हर चीज़ उत्ते जिसने शरीयत का कानून मौजूद है लिहाजा अगर उन्होंने इस्लाम कबूल किया जैसा कि ओलामा की एक जमात आखिर असा को नहीं जी कोई नहीं कबूल किया तो वत उन्होंने कबूल कर भी तो बड़े बड़े अकाबिर ओलामा कायल इन पे इस वास्ते इस्लाम चुके बरतरी और फौकीयत होया कर दी है और किसी भी बगैर दलीले कतई दे ईमान का इनकार करना जायज़ ही नहीं होता शरीयत मुबारक लिहाजा उन्होंने बारे तो ज़हन ही है कि आप मोमिन हैं लेकिन जेड़ा मैसून बिनते बहादला का वाले दे बहादला किला भी उसके बारे तो कोई इख्तलाफ नहीं तो पक्का इले किताब ईसाई है यजीद के सारे मामू ईसाई हैं पे कोई एक बंदा भी उन्होंने कोई नहीं मुसलमान होया उस दौर तक नतीजा क्या है कि चूंकि 60% जी यजीद दियां फौजां ने मक्का मुकरमा ते हमला किया है मदीना तैयबा ते वाके हर्रा दे जुल्म ढाए हर 100 दे विचों 60 जड़े फौजी हैं यजीद दे वो ईसाइयों उत्ते मुश्तमिल अहले किताब उत्ते तो इस तरह के लोग वत होर फितने नूं अग लैंदे हन वत विच हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तों दे कातिलीन भी शामिल ईरान का एलीमेंट मिस्र का एलीमेंट ये भी सारे दे जिन्हां अहले किताब दे कोलों जिन्हां मजूसियां कोलों हज़रत उमर दे दौर दे विच उन्हां दियां ज़मीनां खोईयां गईयां ओ सारे दे सारे ही वे शामिल तो अपने दिल दे फफोले भी फोड़दे हन मुसलमान दे नाल बुग़्ज़ दा इजहार करदे होए वत होर जलती दे उत्ते तेल छिड़कदे हन लिहाजा इस तरह के जाहिल जड दुश्मनान उवत हजूर मौले कायनात की जाते बबरकात को टारगेट करते हैं और निशाना बनते हैं हजूर मौले कायनात के जितने भी मोहब्बत करने वाले प्यारे गुलाम हैं उन्होंने अर्ज की हजूर आप साढ़े अमीरुल मोमिनीन बरहक को सानू भी इजाजत अता करो असा इन्हों टारगेट करो और जेड़ा तुहाडे मुतल्लिक हो जी ये करम अल्लाह तआला वजुल करीम भी उस वक्त तू दुआइया कलमात जिन्होंने कलमात तकरीम आखा हुंदा उस वक्त तू मारे से वजूद ही चाहन वरना तो बाकी प्यारे सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह तआला मजमईन दे नाल कलमाते तरद्दी दुआइया आखे वेंदे ना रज़ी अल्लाह तआला नो लेकिन हुजूर मौला कायनात दे नाल रज़ी अल्लाह तआला अनहो दे नाल नाल करम अल्लाह तआला वजुल करीम क्योंकि हुजूर मौला कायनात दे खिलाफ गल्लां करदे हन तो जेड़े अहले हक हन पे उस दौर दे विच जेड़ा हुजूर मौला कायनात दी शिकायत करे ओ बुलंद आवाज चगू आखे ना करम अल्लाह तआला वजुल करीम तुसा जितनी मुखालफत करो साडी दुआ है कि अल्लाह तआला हुजूर मौला कायनात दी इज्जत विच होर इजाफा फरमावे हुजूर मौले कायनात ने जिस वक्त अर्ज की कि हुजूर सानू भी उन्होंने उत्ते लान तान की इजाजत अता फरमाओ आले शाम दुते आपने फरमाया कल्ला हरगिज नहीं मैं ना तुहानू इजाजत अता फरमाया सा फरमाया बेशक शाम च इहो जे लोग भी रहंदे न लेकिन असा इन्हां लोगों के मनफी सोच आए लोगों नहीं असा तवज्जो करनी असा देखनी उस अजीम निस्बत कि साढ़े प्यारे आके करीम रसन का फरमान है हुण हदीसे पाक च हज़रत मौले कायनात फरमाए दन लकद समय तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मैं खुद महबूब करीम अलैहिस्सलाम दी ज़ात बबरकात नूं फरमाते हुए सुने कि इन्ना फी अहली शाम अरबईना रिजालन हर दौर दे विच क़यामत तक शाम दे यानी शाम दे इलाके बैतुल मकदस दे विच उस वेले बैतुल मकदस शाम दा इलाका है हुण फिलस्तीन दा इलाका है फरमाया कि शाम दे विच चुके 40 रिजाल 40 मर्द ऐसे रहंदे ने अल्लाह तआला दे मकबूल बंदे युकालो लहुमुल अबदाल जिन्हां नूं अबदाल आखा वेंदा महबूब करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कुल्लमा माता मिनहुम रजुलुन वाहिदुन अब्दल अल्लाह ताला मकानहु रजुलुन आखरा जिस लई उन्हां विचों किसे एक अबदाल का भी विसाल होंदा है अल्लाह ताला दूसरे वली नूं तरक्की अता फरमा के अबदाल का दर्जा अता फरमा के 40 दे अदद नूं पूरा फरमा छोड़दा है
तो फिर मैं 40 अबदाल चुके उन्हां दा ताल्लुक सरजमीन शाम नाले बैतुल मकदस दे नाल। अगू हुण हदीसे सही दे विच क्या है, महबूब अलैहि सलाम ने फरमाया बेहिम युस्कून, अगर जमीन उत्ते बारिश बरसाई वेंदी है तो उन्हां 40 अबदालां दी बरकत दे नाल बरसाई वेंदी है। अगर वह अबदाल ना होवन तो बारिश किसी नूं ना मिले। बेहिम युरज़कून, अगर रिस्क लोगन दिता वेंदा है तो 40 अबदालां दी बरकत दे नाल दिता वेंदा है। और फरमाया बेहिम युनसरून, अगर लोगों की अल्लाह की तरफों मदद की वेंदी है तो 40 अबदालों की वजह तो की वेंदी है। तो मेरे दोस्तों चूंकि औलिया अल्लाह कामिलीन के दराजात मौजूद हैं, औलिया औताद अबदाल अखताब, तो इस तरीके बिल्कुल ये पूरे का पूरा एक सिस्टम है। और कायनात के तकवीनी उमूर जड़े वो अल्लाह पाक के मुदब्बरी ने अमर बंदियां दे होया करते हैं। इस वास्ते रूह हमेशा जिंदा है। आम तू आम मुसलमान भी अफो सदियां गुजर गई हैं। क्या हदीस करीमा च मजमून पूरी सेहत नाल मौजूद नहीं कि इन्नल मैयत अला यारिफो मैं यजूरो हुआ यस्ताने सो भई, सदियां बाद ही गयो किसी कबर दुते जितनी देर मौजूद रहा सो बकायदा कबर वाला बंदा इसनों पहचान भी रहा होंदा, इहदे कोल उनसो राहत भी हासिल कर रहा होंदा। बिल्कुल जी, अल्लाह ताला दे औलिया दी रूह जड़ी अल्लाह दे नूर नाल दे दिए, अल्लाह दे नूर नाल सुन दिए, हाँ जी, तो ये कोई ऐसा मसला कोई नहीं है पिया। मकाम विलायत इंतहाई आला मकाम है। और एक कायनात तक एक जिमें राई दा दाना सामने आता है ना जी हथेली उत्ते, अल्लाह ताला दे कामिल औलिया दी निगाह दे च सारी कायनात इस तरीके मौजूद होया करती है। लिहाजा ये सोच रखना कोई नाजायज़ नहीं है। सलाम मसनून के बाद वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह, क्या वालिदैन की कबर मुबारक का बोसा ले सकते हैं? भाई बिल्कुल बोसा ले सकते हो। कबर शरीफ वालिद साहिब की कबर शरीफ होवे, अम्मी जान की कबर होवे, बिल्कुल बोसा ले सकते हो। शरीयत मुबारका दी कोई मना नहीं। बोसा किस चीज़ की अलामत है? कोई बोसा लवना इबादत ही शामिल है? अगर तो बोसा लवना चुमना जड़ा है वह इबादत भी शामिल है, तो इबादत सिर्फ अल्लाह पाक वास्ते होंदी है। महबूब अलैहिस्सलाम की बारगाह विच इबादत करनी जायज़ नहीं, वह भी शिरक बन सी। तो ला इलाहा इल्लल्लाह, इलाह का माना क्या होंदे अरबी इंटो अल्लज़ी यस्तहिक्कुल इबादत, इलाह उस हस्ती नूं आखा वेंदा है जिसनों असं अपनी इबादत का मुस्तहिक मनू। तो साडा तो दीन दीन तौहीद है, अल्लाह तो सिवा कोई इलाह यानी अल्लाह तो सिवा कोई इबादत के मुस्तहिक जात है ही नहीं। हुण अगर तो है बोसा लवना इबादत, तो वत है वाकई कबर शरीफ का बोसा लवना शिरक होवे सी, बंदा दायरे इस्लाम चो खारिज होवे सी, मुशरिक होवे सी। तो बोसा लवना जोड़ा है अगर ये इबादत है, तो जिसल अपने प्यारे बच्चे का बोसा लेंदे हो तो उसने उसकी इबादत कर रहे होंगे हो। ये जड़े इस तरह के फतवे देंदे शादीशुदा अपनी बीवियों का कौन ही बोसा गिनते होंगे, वह तो शिरक कर रहे होंगे उस वक्त। साढ़े पीरो मुर्शिद हजूर पीर सियाल लजपाल हजूर सैयदना शेख उल इस्लाम वल मुसलमीन कमरुल मिल्लत व दीन सैयदी अल्लामा ख्वाजा ख्वाजगान हाफज़ मुहम्मद कमरुद्दीन सियालवी साहब अलैह रहमत, आप जिस वक्त मदीना तैयबा सब तो पहली दफ़ा तशरीफ लेके गए, हाजरी का शर्फ हासिल फरमाया, दरों दीवार नू बोसे ले रहे जिमें बुजुर्गान ने दीन का तरीका, बड़ी बड़ी किताबों में हाफिज़ इबन हजर इतने तक गल लिख रहे हैं कि महबूबे करीम अलैहिस्सलाम दे विसाले के बाद इतनी नस्लों बाद आप दी औलाद अमजाद चूँ सैयदना इमाम अली अर्रदा रज़ी अल्लाह तआला की कब्र मुनव्वर ते जिसने शेख उल इस्लाम इमाम इबन खुजैमा अबू बकर इबन खुजैमा अहले हदीस भाइयों को पूछो ना तुसा सीने दुते क्यों हाथ बन के नमाज पढ़ते हो, वो सही इबन खुजैमा दी हदीस पेश करे सन। मेरे को मुकम्मल सही इबन खुजैमा मौजूद है। ये जिस मुहद्दस इमामुल मुहद्दसीन शेख उल इस्लाम इमाम अबू बकर इबन अबी खुजैमा रहमतुल्लाह तआला जिन्ने सही इबन खुजैमा लिखी है इन्हां दे मुतल्लिक मौजूद है कि ये बहुत बड़ी मुहद्दसीन की तादाद जमात नूं नाल लेके किस पासे चले मशहद मुकद्दस इमाम अली अर्रदा रदी अल्लाह तुंदी कब्र मुनव्वर की ज़ियारत वास्ते। हुण इमाम अबू अली शामी और कितने बड़े बड़े अकाबिर अबू बकर बिन इस्माइल और बड़े बड़े आइमा मुहद्दसीन का फरमान है असा भी नाल शामिल आसे पे। और फरमांदन कानू इज़्ज़ा का मुतवाफिरीन, कोई दो चार मुहद्दस नन इमाम इबन खुजैमा की सरबराई मुतवाफिर बहुत बड़ी तादाद मुहद्दसीन दी आई। फरमाया जिवें ही वह बस्ती है मुबारक मशहद मुकद्दस करीब आया फलम्मा रईना मिन तवादो एही व तदर्रो एही लिहाज हिल बुकातिल मुबारक आते, फरमाया जड़ी मोहब्बत जड़ी अकीदत जड़ी तजर्रो आजियो इनके सारी
حضرت ابو بکر ابن خزیمہ اور باقی ائمہ محدثین اس مبارک مقام دی کرن کہ اجے تک قبر منور تک پہنچے ہی کوئی نہیں، امام علی الرضا رضی اللہ تعالی عنہ دے روضہ مبارک تک تے پہنچے نہیں، اجے تو مشہد بستی شروع ہوئی ہے، اودیاں دیواراں نو چوم رہے ہیں، جگہ جگہ دے بوسے لے رہے ہیں، اکھاں چوں آنسو جاری ہیں، جو مجسمے عاجزی و انکساری اور مجسمے ادب بن گئے ہیں۔ فرمایا اساں جو کچھ ائمہ محدثین دا یہ مدینہ شریف محبوب دے روضہ انور دی حاضری ڈیون تے انہاں دی کیا ادب دی کیفیات ہو سن، جڑیاں صدیاں بعد محبوب دے پیارے بیٹے دی قبر انور تے حاضری دے رہن تے اے انہاں دی ادب اور نیاز مندی دی حالت ہے، بوسے بھی لے رہن درو دیوار تے۔ تو مسلمان تے انتہائی عقیدت والے لوگ ہوندے ہیں، ادب والے ائمہ محدثین علماء شیخ نجدی تو بعد سارے دے سارے معاملات عجیب و غریب رخ اختیار کر گئے۔ حضور شیخ الاسلام چونکہ مدینہ طیبہ گلیاں بازاراں کوچہ اقدس بڑی آئز انکساری مسجد نبوی شریف پہنچے تو ہک ہک شہ نو بوسا عقیدت محبت مغلوب الحال وہ آپ نو ات پکڑ لیا شرطیاں نے اور لے گئے اپنے ہیڈ دے کولوں کہ جی شیخ ان مشرق ان مشرق بزرگن پہ اور جگہ جگہ بوسے لے رہے ہیں۔ حضور شیخ الاسلام علیہ رحمت کو نہ پوچھا تو آپ نے فرمایا بھی میں بوسا لے رہا، کیا بوسا بھی عبادت ہویا کر دے؟ نو کہ نہیں جی نہیں، حاضر شرکن، ہاں جی یہ شرک ہے پیا، اس طرح دا کام کر رہے ہو اور تساں جڑا زمین تو اس طرح ہتھیلیاں رکھ دو یہ تو سجدہ بن دے۔ آپ نے فرمایا یہ سجدہ کتوں بن دے؟ سجدہ تو اتنے آزاد ہوتے جناب، نک بھی لگنا چاہیے، پیشانی بھی لگنی چاہیے، وت سجدہ بن سی، وت نیت بھی ہونی چاہیے، ٹھیک ہے جی، وت سجدہ تعظیمی چلو اس امت چ ناجائز ہے، شرک کس طرح ہو گیا؟ لیکن جس لیے ڈٹا وہ کسی علمی معاملے دے تو نہیں آ رہے۔ آپ نے فرمایا میرے دو رکعت نفل پڑھن دا ٹائم ہو گیا، مہربانی کر کے میں نے دو نفل پڑھن دیو، میں اگلی گل بعد دے وچ کرساں، اور اللہ تعالیٰ دی عبادت تو نہیں تو سا میں انہاں کا ٹھیک ہے جی اللہ دی بارگاہ۔ آپ نے فرمایا انظر ہوئی لیا ذرا میری طرف دے دے بھی روائے، این ممکن ہے کہ تو سانو میری نماز تے کوئی اعتراض ہوئے جڑی غلطی ہوئے بعد ٹھیک کرائے چا میں دسائے۔ وہ انہاں دا جناب قاضی صاحب تے سارے دیکھن لگ گئے، آپ نے دو رکعت نفل جناب شروع کیتے، آپ نے قیام بھی ٹھیک کیتا، قرات بھی ٹھیک کیتی، رکوع بھی ٹھیک کیتا، لیکن جس لئے سجدے چ گئے دونوں پاؤں مبارک دے پنجے بھی زمین تے لگ گئے، گھٹنے بھی لگ گئے، ہتھیلیاں بھی لگ گئیاں، لیکن آپ نے نہ نک لایا نہ پیشانی اور متھا لایا بلکہ قبل الارض زمین نو چما تے آپ بیٹھ گئے۔ وڈو جا سجدہ وقت کوئی نک ننے لایا نہ کوئی پیشانی لائی نے، صرف زمین نو بوسا دتا نے چا دوجی رکعت کھڑے ہو گئے۔ وج جس لئے دوسری رکعت رکوع تو بعد سجدہ جو وقتی سجدہ کوئی نہیں کیتا، بس زمین نو چمانے چاہتے اتنا ہو گئے، وج دوسری دفعہ زمین نو چمانے چاہ اتنا تشہد پڑھنا شروع، وہاں کر لگے شیخن جاہلن، تو ساتھ ہے کوئی بڑی علمی ہستی ہے، یہ تو بالکل اس نو تو کوئی پتہ سجدہ کرن دا اس نو کوئی نہیں پتہ، نہ اس کو تسبیحات پڑھی ہیں تے نہ اس نک لایا اتنا، جو میں ہی آپ نے سلام پھیرا تو آکھن لگے یہ کیوں جی نماز پڑھی نے، یہ سجدہ بلا جڑا تو سا، یہ تو بالکل سجدہ نہیں۔ آپ نے فرمایا یہ گل تو اتنی دیر دی تو انہوں دلیلہ نال سمجھا رہے ہیں بھئی چمنا سجدہ نہیں ہوں دا، اگر یہ چمنا سجدہ ہے تو وقت سجدہ منو کیوں نہیں آدھے پہ بھئی یہ سجدہ ہاں جی باس کس وستے کر رہے ہو وقت میرا، وہ انگوشت بدندہ حیران ہو گئے ہاں جی، کوئی جواب انہوں کو وقت نہیں ہے بنا اس چیز دا۔ گزارش یہ ہے بھئی محض بوسا لمنا یہ اظہار محبت ہے، تعظیم ہے، اور محبت و تعظیم ہے، والدین دی قبر شریف دی تعظیم محبت سب کچھ جائز ہے شریعت مبارکہ وچ۔ ایک آدمی پانچ نمازیں تو بیٹھ کر پڑھتا ہے، جب امامت کا موقع ہو تو کھڑا ہو کر امامت کراتا ہے، اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ جڑا ہوندا ہے نا جی قیام، جب تک قیام دی قدرت انسان وچ موجود ہوئے تو کھڑے ہو کے ہی قیام کرے، جس وقت وہ کھڑے ہو کے قیام دی قدرت نہیں رکھدا اس تو بعد وہ تو بیٹھ کے نماز پڑھے، رکوع سجدہ جڑا ہے کر سکتا ہے تو کرے ورنہ اشارے دنال کرے۔ تو ہن معاملہ ہے بھئی اگر ایک بندہ ایسا ہے بھئی وہ قیام والی تو چاہے یعنی امامت کروائے دے تو چار رکعت ٹھیک ہو پڑھتا ہے بالکل، باقی نماز کیوں بیٹھ کے پڑھتا ہے؟ نفل بیٹھ کے پڑھ دے ہو سن، سنت واجب تو کھڑے ہو کے ہی پڑھ دے ہو سن نا جی۔ تو اگر وہ بھائی انہوں کوئی مسئلہ ہے تو وہ تو امامت تو ہک پاسے ہو ونجن، ہوں میں تھوڑے اس پورے سوال تو صورتحال کوئی کلیئر نہیں ہوئی، واضح کوئی نہیں ہوئی، اتنے بھی امامت جڑی ہوں دیئے وہ فجر دیاں دو رکعتاں بھی کھڑے ہو کے پڑھیں دن، پیشین دیاں چار رکعتاں بھی کھڑے ہو کے، اثر مغرب عشاء
लेकिन आप जिसले कल्ले वत नमाज पढ़ दें तो वह बैठ के पढ़ दें। तो इसका मतलब है अगर चार चार रकातां और उस फजर दे विच तां जरा 40 आयात दे बराबर कम अज़ कम मसनून किरात करना, चलो 40 ना कर दें 20 कर दियो, मैं दोहां रकातां दी तो किरात भी कर दें, खड़े होकर भी पढ़ें दें। इसका मतलब है वह चार रकात खड़े होकर पढ़ा सकते हैं, तो वत अकेले चार सुन्नत मौकदा खड़े होकर पढ़ भी सकते हैं। तो जब तक भाई खड़े होके क्याम की ताकत होवे क्याम मत खड़े होके ही करना चाहिए। घुटन की दर्द है, तकलीफ है, ऐसा मामला है, कुर्सी उत्ते बैठ के भी नमाज जायज़ होती है, लेकिन वह सजदा इशारे नाल करना होता है। तो वो भाई अगर वो जमात करा सकते हैं तो वह बाकी नमाज भी खड़े होकर पढ़िया करन वक्फे नाल। अल्लाह पाक मेरी आप सब दी हाजरी कबूल फरमावे। कुछ मैंने हुक्म किया गया भाई मस्जिद जड़ी है ना जी, मस्जिद शायरुल्ला दे विच शामिल है और कुरान पाक दे विच है, सूरतुल हज दे विच 17वें पारे दे विच मन युअज़्ज़िम शाइर अल्लाह फइन्नहा मिन तक्वल कुलूब। एक बंदा जितनियां नमाज़ां पढ़े बा जमात नमाज पढ़े तकबीर उला दे नाल, ठीक है जी, सारी जिंदगी बड़े रोजे रखे हर नेकी अच्छाई उहदे विच मौजूद होवे, लेकिन अगर वह मस्जिद का अदब नहीं करेंदा तो कदे भी उसनू हकीकी और दिली तकवा अता नहीं हो सकता, क्योंकि कुरान पाक फरमाते दिली तकवा उसके कोल होंदा है, सच्चा मुत्तकी वह होंदा है जिहड़ा शायरुल्ला का अदब और शायरुल्ला की ताजीम करे। मस्जिद शायरुल्ला दे मस्जिद का इतना एहतराम है कि मस्जिद के इर्द गिर्द बुलंद आवाज दे विच चीखा चिल्लाया नहीं वज सकींदा, ठीक है जी। गली दे विचों गुजर रहे हो ना या मस्जिद जिहड़े हमसाए वाले ने उन्हां वास्ते जायज़ नहीं कि मस्जिद दे नाल शोर पावन, क्योंकि मस्जिद के तकद्दस के खिलाफ है। इस तरीके मस्जिद दे विच जमात हो रही होवे और एक बंदा घरों आया है, हुण उसनू पता है कि इमाम साहब और सारी दी सारी जमात रकू विच है, तो मैं अगर आराम आराम नाल चल के वैसा तो रकू चला वैसी, रकू चला गया तो पूरी रकात चली वैसी, लेकिन शरीयत मुबारक का यह हुक्म है कि तू पहले क्यों नहीं टाइम नाल आया, अगे हिक तू तकबीर तहरीमा और तकबीर उला छोड़ी खलोता है तू जमात दे नाल, हुण दूसरा तू एक होर गुनाह पिया कर दे कि दौड़ के बन के शामिल हो से। मस्जिद में दौड़ना भजना जायज़ नहीं होया करता, इला ये कि कह दी जान वेंदी पई होवे, उतवत नमाजी भी नमाज पढ़ता खलोता होवे और उसे पता चल वे भी एक पासे टोया है तो नाबीना आ रहे, तो अगर इदे इलम आ गया है कि भाई अगू टोया है नाबीना बंदा है अंधा वो विच ढह पौसी मर वैसी या उदा कोई नुकसान होवे सी, वत इस नमाजी ते फर्ज होवे ते नमाज त्रोड़े चा पहले बन के नाबीना दा हथ पकड़े उसनू आराम नाल उत्थों गुजारे। एक इंसान दा बचाओ पूरी इंसानियत दा बचाओ है, तो अगर तो कहती जान उत्ते बनी पई होवे तो वह एक अलग मसला है, वत मस्जिद दौड़ सकते हो, अदरवाइज नमाज जमात वेंदी है चली वे रकात वेंदी है लगी वे, लेकिन किसे नमाजी वास्ते ये जायज़ नहीं कि दौड़ च दौड़ के बन के जनाब रकात शामिल हो वे। तो मस्जिद का इंतहाई मस्जिद में आवाज़ उची करनी जायज़ नहीं होती। हदीसे सही है हज़रत उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु फजर की नमाज पढ़ा के फारिग हुए, आप तशरीफ़ फरमान, आपने दो अजनबी बंदे डिठे वो उची उची गुफ्तगू कर रहे हैं। हज़रत सैयदना अमीरुल मोमिनीन उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु हुक्मरान 22.5 लाख मुरबा मील दे, आपने मस्जिद शरीफ वाले पासे तवज्जो की, उसले अजकल आले इस तरह फर्श न लगे होंदे, दो छोटे छोटे संग्रेजे आपने उठाए हदीसे सही और उन्हां दी तरफ आपने आराम नाल उछाल छोड़े, उन्होंने वन के लगे उन्होंने तवज्जो की भी किहड़े पासे संग्रेजे आ, आप दी तरफ उन्हां दी अख उठ गई, आपने इशारा किया भाई इत्थे आओ, वत आप दे करीब आ गए, वत आपने बड़े आराम नाल पूछा मन अंतुमा व अइना, कौन हो तुसा और मिन अइना कित्थू आए हो, उन्हें आखा जी असा फलां कबीले चो आए हैं दूर दराज चू फलां फलां अफराद हैं और साढ़ा फलां फलां ना है। आपने फरमाया अगर तुसा मदीना तैयबा दे बाशिंद ला औजा तो कोमा, मैं तुहानू इस गल की सजा देवा। एक तो नाल महबूब करीम अलैहिस्सलाम दा रोज़ा है मुकद्दस है और महबूब अलैहिस्सलाम की बरगाह तो उची आवाज़ जायज़ नहीं होंगी, तुहानू ना महबूबे करीम अलैहिस्सलाम की बरगाह का एहतराम है इतनी उची, और दूजा फरमाया किहड़ी जगह पर बैठे हो, अल्लाह के दरबार मस्जिद बैठे हो और इतना उची उची तुसा गुफ्तगू कर रहे हो कि पूरी मस्जिद ही तुहाड़ी आवाज़ जा रही है। तो फरमाया अगर तुसा हो मुसाफिर इस वास्ते मैं सिर्फ तंबीह कर रहा और अल्फाज नाल समझा रहा, आहिस्ता आवाज गुफ्तगू करो और आवाज़ ना उची। हज़रत उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु मस्जिद शरीफ दे विच आवाज़ उची होवे सिवाय वाज़ो नसीहत दे
इन्हां चीज़ां की इजाजत होंदी है। बाकी तो भाई इस वास्ते मस्जिद का तकद्दस, मस्जिद का एहतराम, और दूसरी गल है भाई नमाज तो वड्डी कोई जिस्मानी इबादत नहीं। इमाम साहिब का मनसब इंतहाई बुलंद मनसब होया करता है। अगर तुसा दुनिया के किसी जी मैं अर्ज करदा जी टाइम भी बहुत हो गया जी, गुजारिश यह है कि दुनिया के किसी मामले च अगर किसी नूं अपना वकील मुकर्र करदे हो तो उसका कितना तुसा ख्याल करदे हो, क्योंकि दुनियादारी है इस वक्त बहुत ज़्यादा अहमियत है। तुसा करो वकील अपने मुकदमे का, केस का, अपना कोई जायज़ हक लमना है तुसा, अपना कोई इज्जत आबरू का दिफा करना है, करो वकील, पूरी अहमियत दे उस नूं, कौन तुहानूं मना करता है। लेकिन हिक्के दुनियादारी के उमूर और मामलात चलाने, इमाम साहिब का मनसब वह अजीम मनसब है कि रब्बे करीम की बारगाह दे विच तुहाडी नमाज का वकील भी बनता है, कफील भी बनता है। इस वक्त भाई इमाम साहब का एहतराम किया करो। हुण इमाम साहब का हुण मामला इन्ने भाई वो इमाम तो अल्लाह की नेमत है कि जेड़ा बंदा अपने हथ की कमाई दे नाल रिज़्क़े हलाल कमेंदा है और वत नाल मुसलमानों नू जमात ही करवाएं चा वजह भाई आप हालात भी देख रहे हो और जितनी असा इमाम साहिबान दी और उन्हां दी 24 घंटे ड्यूटी होंदी है, वो बेचारे कोई ज़्यादा दीगर कोई कारोबार वड्डे भी नहीं कर सकते, मस्जिद के करीब ही उन्होंने कोई छोटा बहुत अगर कोई ताकत रखता हो तो कर सकता है, वरना नहीं कर सकते, क्योंकि टाइम दे उत्ते उन्हें अजान का ख्याल करना है, उन्हें मस्जिद का निज़ाम चलावना है, जमात उन्हें टाइम दे उत्ते करावनी है, और वत कितनी असा उन्होंने तनख्वाह पेश करते हैं, क्या स्कूल दे एक चपड़ासी जितनी तनख्वाह है इमाम साहब की, तो वह वत तुहाडे उत्ते अगर वजन नहीं बनते, जितना थोड़ी बहुत तुसा खिदमत करते हो उस शरफे कबूलीयत अता फरमाते हैं, उन्होंने एहसान बनना चाहिए। वत अगर वो नाल कोई छोटा मोटा कारोबार कर दे तो वत इसका क्या मतलब होया करता है भी, जिसलिए वह भुल गए तो वह भाई कारोबार दे विच लगे हो जाने, वत इमाम साहब का मजाक उड़ावना, उन्हों का दिल तोड़ना, उन्होंने उत्ते एतराजात करना, ये बहुत बड़ा गुनाह का काम है। रह गया नमाज विच भुल मिलना। मेरे आके करीम अलैहिस्सलाम एक दफ़ा जमात करवा रहे हैं, हदीसे सही है, सूरह अर्रूम 21वें पारे च अलिफ लाम मीम गुलिबत अर्रूम फी अदनल अर्द, महबूब अलैहिस्सलाम ने तिलावत शुरू कर दी थी किरात, लेकिन महबूब करीम अलैहिस्सलाम मुतशाबे लग गया आके करीम अलैहिस्सलाम नूं, वत आपने दुरुस्त फरमाई और नमाज आपने मुकम्मल करवाई, और सलाम फेरन तो बाद महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया तुहाडे विचों केड़ा बंदा आई जैं तहारत सही नहीं कीती हुई, फरमाया जिसले मुक्तदी तहारत उदा वुजू इस्तिंजा कपड़ा जिसम ए पाक ना होवे, उस तहारत विच खलल होवे, तो महबूब करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया उसका असर इमाम साहब दे उत्ते हुंदा है और इमाम भुलदा है नमाज दे विच, वो चाहिदा तो भी अपना कसूर मनू आसा इमाम साहब का मजाक उड़ावना शुरू कर देने, तो ये किस तरह की अजीबो गरीब। और वत माशाल्लाह आप हजरात इतने पढ़े लिखे होंदे हो, बड़ी बड़ी बारीक मामलात नू समझदे हो, तो इमाम साहब भी इंसान होंदा है, इमाम साहब दे कोल भी गलती हो सकती है, इमाम साहब दे कोल भी कोई मामला उत्ते थले हो सकता है, तो जिवें असा इंसान है ना जी, इमाम साहब भी साढ़े वो इंसान है, कोई फरिश्ता नहीं इन पे ना कोई जिन इन पे, तो इस वास्ते मेहरबानी अदब एहतराम, ये नहीं कि नमाज पढ़ी चाहते वत उस तो बाद मजाक और इस तरह के मामलात जड़े वो शरीयत मरकज जायज़ नहीं होते। सवाल फिकी तौर पर फरमाया गया है भी एक आदमी शामिल होया सजदे दे विच, इमाम साहब सजदे दे विच हन, तो हुण भाई वो अगर तो सजदे दे मुकम्मल होने का इंतजार करके अगली रकात शामिल होवे तो यह भी उस वास्ते जायज़ है, लेकिन अफसल गल होती है कि वह नीयत करके तकबीरे तहरीम आके एक बारी नाफ के थलवे किनारे ते एक बारी हथ बन्ने जा और अल्लाह अकबर आके फौरन सजदे दे चला बन्ने, क्योंकि जितनी ज्यादा तो ज्यादा इमाम की इक्तदा मिलवे सी उतना अजरो सवाब और अल्लाह का कुरब ज्यादा मिल सी, तो इमाम दे नाल सजदा भी मिलवे सी, तस्बीहात वो सारा जिक्र उस सजदे का सवाब वह भी नामया माल विच आवे सी बाजमात, लेकिन रकात होना अकाउंट हो सी शुमार ना हो सी क्योंकि रकू चला गया लिहाजा वो रकात चली गई, तो वह रकात नहीं गिरनी विच,
लेकिन सजदे दे विच जो इमाम साहब है तो तुसा तकबीरे तहरीमा आखो हाथ भी एक बारी बनो और दूजी दफा वत अल्लाह अकबर आख के आप चले वजो जनाब। अल्लाह अकबर साड़ी फिके हनफीद विच जड़ी तहकीक है ना जी वो है हुजूर सैयदना अमीरुल मोमिनीन मौले कायनात करम अल्लाह तआला वजल करीम हज़रत सैयदना अब्दुल्ला इबन मसूद रदी अल्लाह तनो और बाकी तमाम खुलफाए राशिदीन रदी अल्लाह तनो मजमाइन तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह तनो हज़रत सैयदना उमर रदी अल्लाह तनो सैयदना उस्मान रदी अल्लाह तनो सैयदना मौले कायनात करम अल्लाह तआला वजल करीम सैयदना इमाम हसन मुजतबा हज़रत सैयदना इमाम हुसैन शहीद करबला रदी अल्लाह तनो हज़रत अब्दुल्ला इबन मसूद रदी अल्लाह तनो इन्ना हस्तियों दी कोई एक हस्ती भी ऐसी नहीं जेड़ी इमाम दे नाल तकबीरां उच्चियां आखण दी कोई इमाम भी कायल नहीं है। तो तकबीर इमाम ने तो उच्ची आखनी है ताई तो बाकी मुक्तदियों नूं पता लग सी तो हर मुक्तदी इतनी आवाज़ च अल्लाह अकबर आखे कि सिर्फ उसके अपने कन सुने अगर उसकी उच्ची तकबीर आखण दे नाल नाल सज्जे खब्बे दूजे नमाजी डिस्टर्ब होंदे ने तो उल्टा गुनाहगार हो रहा है क्योंकि उन्होंने नमाज ही खलल का बायस उन्होंने तवज्जो हटती है इस वास्ते भाई आहिस्ता अल्लाह अकबर आखी करो। दूजा यह है कि भाई आमीन जी है वो ठीक है हरम शरीफ के विच उच्ची आमीन आखी वेंदी है हालांकि वो फिके हंबली दे विच भी आमीन आहिस्ता है। इमाम अहमद बिन हंबल अलैह रहमत दे पैरोकार वो सिर्फ जड़े गैर मुकल्लद गए खलोते होंगे ना जी मुख्तलिफ इलाके कोई अरब शरीफ वाले हंबली मुसलमान इस तरह नहीं करते भावें उन्हों का अकीदा वहाबी भी होवे लेकिन चूंकि उन्होंने नमाज रोज़ा फिकी मसाइल वो इमाम अहमद बिन हंबल अलैह रहमत की तकलीद चन और हंबली फिका दी तो साढ़े को बेपनाह किताबा मौजूद हैं अल मुगनिल कबीर साढ़े को मौजूद है शरह कबीर साढ़े को मौजूद है जितियां फिके हंबली की किताबन शब्द विच के आमीन बिसर रे पई उच्ची आमीन दे कायल नहीं हैं। तो अगर वो जड़े उथे अहले हदीस गैर मुकल्लद जिन्होंने आखा उच्ची आमीन आख दिन या इमामे शाफी अलैह रहमत दे पैरोकार ओ उच्ची आमीन आख दिन उन्होंने तुसा आखन दे उच्ची आमीन लेकिन आप सियासत की किताबा चा हदीसे करीमा देख सो जामे तिरमिज़ी दी हज़रत सैयदना वाइल इब्ने हुजर रदी अल्लाह तों दी हदीसे सही मौजूद है हज़रत मुगीरा बिन शोबा आप बिन वरद बिन हज्जाज दी सनद दे नाल हदीसे सही मौजूद है। आप फरमादन मैं आके करीम अलैहिस्सलाम दे नाल नमाज पढ़ी आके करीम अलैहिस्सलाम ने इमामत करवाई सूरह फातिहा अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन तो आप पढ़ते चले आए वलद्दालीन तक आपने बिल जहर जहरी नमाज आई आपने बुलंद आवाज़ दे नाल सूरह फातिहा पढ़ी इमामत करवाएंदे और जिसले वलद्दालीन तो बाद आमीन का मरहला आया खाफेदा बेहा सौता हो तो महबूब करीम अलैहिस्सलाम दी ज़ात बबरकात ने अपनी आवाज़ पस्त और नीवी कर छोड़ी वत अगे आपने आहिस्ता बिस्मिल्ला पढ़ के अगे उच्ची किरात शुरू की थी वत तो खुद सारे आके करीम अलैहिस्सलाम दे मुतल्लिक ऐसी अहदीस और पूरे दलायल जिदी वजह तो इमाम आजम अबू हनीफा अलैह रहमत आप दे तमाम असाज़े इकराम और चूंकि फिके हनफीद विच जेड़ा मसला भी सहाबे इकराम मुत्तफिक है वह तो है ही मुत्तफिक अलैहा जेड़े मसले च इख्तलाफ हो बनिए तो वत सब तो पहले इमाम आजम दे दिन के चारों खुलफाए राशिदीन अकाबरीन की तहकीक क्या है तो चारों अकाबिर खुलफाए राशिदीन चो एक हस्ती भी नहीं जड़ी इमाम दे पिछू उच्ची आमीन दी कायल होवे। इसे तरीके हुजूर मौले कायनात ते ता अगू सिलसिला शागिर्दी है कि हज़रत अलकमा बिन कैस आप दे शागिर्द हज़रत अलकमा बिन कैस दे शागिर्द हज़रत इब्राहिम नखई उन्हां दे शागिर्द हज़रत हम्माद उन्हां दे शागिर्द हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफा अलैह रहमत इस पूरे सिलसिले दे विच किथाई कोई नहीं कि आमीन उच्ची लेकिन अगर कोई आखद है आखे पिया अगर कोई गैर मुकल्ले दे साडे आले दे शाफी तो होंदे कोई नहीं कोई आखदा है आखे पिया लेकिन आप हजरात जेड़े भी अहले सुन्नत व जमात फिके हनफी वाले उस दे विच या है कि ज़्यादा अजर व सवाब है कि आमीन इतनी आवाज़ विच होवे कि अपने कन सुने। ये बहुत सारे मसाइल तुसा इरशाद फरमाया ना मुक्तदी ने नहीं पढ़नी बिस्मिल्ला इमाम ने पढ़नी है इमाम बिस्मिल्ला आहिस्ता सिरी तौर पर पढ़ता होंदा सूरह फातिहा तू पहले पढ़नी है और सूरह फातिहा वलद्दालीन आमीन तो बाद भी आमीन बिस्मिल्ला पढ़नी है। ऐसी कौन सी मस्जिद है जहाँ तीन सफ़ों के आगे नमाजी के आगे गुजरने की इजाज़त है? वो भाई साढ़े बड़े बड़े फुकहा दी तहकीक है भाई इत्थे बर्रे सगीर ही था ऐसी कोई मस्जिद कोई नहीं
वादन भी जेड़ी मस्जिद बिल्कुल एक मैदाने वसी दे हुकम दे चासी इतना बड़ा सेहन होवे तो वह फरमाया गया भी दमिश्क दे विच एक मस्जिद है जिथे इतना बड़ा वसी उसका रकबा है पिया तो वह जनाब उस दे बारे दे कॉल किया गया तो अगर तो आप मैदान वसीद विच खलोते हो तो वत्ता भाई आप जिसने नमाज पढ़ रहे हो तो तीन सफा तू अगे करके कोई बंदा गुजर गया तो वह गुनाहगार ना हो सी क्योंकि नमाजी की रेंज जी है तकरीबन इतनी निगाह होती हालत एक आमद कम कर रही होती अगर उसने नज़र सजदे वाली जगह पर रखी हुई हो यह मैदान वसी का हुक्म है आप मस्जिद में पढ़ते खलोते हो तो मेहरबानी करके जरा दीवार के करीब चले जाया करो या जिस तरीके लोहे का बना हुआ है जनाब पाइप पिलर के तौर पर इस दे सामने खलो वनो यावत यह है कि कहीं बाजार नमाज पढ़ रहे हो मकाम दुते तो रस्ते दे तो नमाज पढ़नी चाहिए रस्ते तो एक पासे लेकिन वत भी अगर बंदियां दे अगू गुजरन का खदशा हो मस्जिद हो गैर मस्जिद तो मेहरबानी करके आप अपने अगे सुतरा रखा करो सुतरे का मतलब है कम अज कम कोई एक बालिश जितनी लंबी चीज जी है ना जी भावे वह छोटी इंगुली दे बराबर भी मोटी हो जाए मिसवाक भी होता है वह सामने रख छोड़ो या खड़ी कर छोड़ो या कोई गिलास उल्टा करके रख छोड़ो कोई भी ऐसी चीज़ बहरहाल जिसकी लंबाई एक बालिश या उस तो ज्यादा हो सामने रख छोड़ी करो वत बेशक लोग अगू गुजरते रहन और अगर एक बंदा नमाज पढ़ रहा है और उसने सुतरा भी कोई नहीं रखा होया तो वत भाई मेहरबानी की करो उसके पिछू गुजरे करो उसके अगू नहीं गुजरना आके करीम अलैहिस्सलाम दा फरमाने ग्रामी है लौ यालमुल मारो बैना यदा यिल मुसल्ली नमाजी दे अगू गुजरन वाले नू कितना गुनाह होता है अगर अगू गुजरन वाले दे इलम च होया तो महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया उसनू 40 साल या 40 महीने या 40 दिन भी अगर रुकना पवया रुका रव्या लेकिन नमाजी दे अगू ना गुजरिया तो नमाजी दे अगू नहीं गुजरना और यह मस्जिद तो बिल्कुल ही छोटी मस्जिद है भावें कोई अंदर पर्दा खलोता है अगू नहीं लगना इतने बाहर इस जगह पर कोई पर्दा खलोता है अगू तुसा नहीं लगना भाई हाँ अंदर दाखिल वनो दरवाजे बंद करो वत गुजर के बेशक तुसा चले वनो या किसी बंदे अगे खड़ा करो जरा कबले आले पास रुख कर नमाज या कंड करके खड़ा वनो और वत तुसा गुजर वनो या कोई चीज बतौरे सुतरा अगे रख छोड़ो कोई फट्टी वगैरह लकड़ी कोई गुजर वनो सुतरे तो बगैर जड़ा है नहीं गुजरना चाहिए अल्लाह पाक आप सबनों दीनो दुनिया की खैर अता फरमाए सना होती है सिर्फ पहली रकात में आपने 2 रकात नमाज की नियत की या 3 रकात मगरिब की या वितर वाजिब की नियत की या 4 रकात सुन्नत या जोहर असर के फर्जों की नियत की तो अल्लाह अकबर तकबीर तहरीमा के बाद आपने बिस्मिल्लाह नहीं पढ़नी सीधा ही शुरू करना है सुबहानकल्लाहुम्मा व बिहम्दी का फिर उसके बाद वला इलाहा गैरुक के बाद तअव्वुज़ आएगा आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम फिर आपने तस्मिया पढ़ना है बिस्मिल्लाहिर रहमानिर फिर अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन इसी तरह वलद्दालीन आमीन पर जाकर जब सूरह फातिहा मुकम्मल हो गई आपने अगली सूरत मिलानी है तो अगर कोई सूरत शुरू से पढ़ी जाए तो बिस्मिल्लाह पढ़ना सुन्नत होता है सूरह फातिहा के बाद और अगर कहीं रकू वगैरह दरमियान में से आपने शुरू करनी है तो फिर मुस्तहब होता है बिस्मिल्लाह पढ़ना तो एक सूरत में फातिहा के बाद बिस्मिल्लाह पढ़ना मुस्तहब है दूसरी सूरत में बिस्मिल्लाह पढ़ना सुन्नत है लिहाजा किसी सूरत भी नहीं छोड़ना चाहिए तो अब जब दूसरी रकात आप शुरू करेंगे तो फिर सनात होती है सिर्फ पहली रकात में आऊज़ु बिल्लाह भी होता है सिर्फ पहली रकात में दूसरी रकात तीसरी रकात चौथी रकात आप सजदों से उठकर जैसे ही शुरू करें सबसे पहले आपने आहिस्ता बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़नी है फिर आप सूरह फातिहा पढ़ें फिर आप बिस्मिल्लाह पढ़ के अगली सूरत मिलाएं या इस तरह मसला है जी मुकम्मल हो गए जी अल्लाह पाक जी आप सबको दीन दुनिया की हर खैर अता फरमाए आमीन जी भाई गुजारिश है कि मस्जिद हराम शरीफ दे कई अहकाम ऐसे हैं जड़े बाकी दुनिया दी तमाम मसाजिद तू हट के इन पे इस वास्ते उन्ना दुते क्यास ना कीता करो या उत्थे भी हो वन्ये बड़ी अच्छी गल है सुतरे वगैरह दा इंतजाम वरना जड़ा है मस्जिद हराम शरीफ दे अहकाम चूंकि इज्तिहामे कसीर होंदे
और इश्तेहामे कसीरे च कई मसाइल दे विच अहकाम नरमी आ वेंदी है। लिहाजा मस्जिद हराम शरीफ के मामलात ते साडियां ये मस्जिदां क्यास ना कीतियां या।